तो बेटा आज हम सेकंड ईयर केमिस्ट्री में जो है वो चैप्टर 3 का लेक्चर 3 डिस्कस करने वाले हैं। इससे पहले हमने 2 लेक्चर्स लिया है, ठीक है, और आज 3rd लेक्चर हम यहाँ पर करने वाले हैं और दिस विल बी द लास्ट लेक्चर ऑफ दिस चैप्टर। तो इसके साथ ही जो है वो आपका चैप्टर 3 ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है वो एंड हो जाएगा, एंड अप हो जाएगा। तो एक छोटा सा चैप्टर है, सिर्फ बेसिक इन्फॉर्मेशन है इसके अंदर लाइक ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। तो उसके बाद नोमेनक्लेचर का जो चैप्टर है चैप्टर 4 वो हमारे स्टार्ट होगा, ठीक है, तो जो कल से स्टार्ट होगा इंशाल्लाह। तो आज हम चैप्टर 3 में लास्ट लेक्चर देख रहे हैं। अच्छा, ये लास्ट लेक्चर कनेक्टेड है पिछले लेक्चर से। तो अगर लास्ट लेक्चर में किरण आप थे तो वहाँ पर हमने जो है वो डिस्कस किया था अबाउट कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बाद 3 कैरेक्टरिस्टिक्स मैंने जो है वो आपको बताए थे, ठीक है, और उसमें से फर्स्ट कैरेक्टरिस्टिक हमारे पास थी कैटेनेशन, के ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर कैटेनेशन की प्रॉपर्टी होती है, दे हैव द एबिलिटी टू फॉर्म लॉन्ग चेन एंड रिंग्स बिकॉज ऑफ देयर स्मॉल साइज एंड टेट्रावेलेंसी। दूसरी चीज़ मैंने आपको बताई थी कि उसकी जो सॉल्युबिलिटी के बारे में, कि लाइक डिजॉल्व लाइक का रूल लगते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर। और एक और मैंने बताई थी कोई, क्या थी वो, नॉन आयनिक कैरेक्टर, कि जो कोवेलेंट कंपाउंड्स होते हैं, सॉरी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं, उन सब के अंदर कोवेलेंट बॉन्डिंग पाई जाती है, उनमें कार्बन जो है वो असल में कोवेलेंटली बॉन्डेड होता है डिफरेंट एटम्स के साथ। तो अब हम अगली 3 प्रॉपर्टीज़ देख रहे हैं, वो पॉइंट वाइज मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। तो पॉइंट 4 हमारे पास यहाँ पर है कि ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैव लो मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स की मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में काफ़ी ज़्यादा कम होती है, काफ़ी ज़्यादा लो होती है। बहुत लो टेम्परेचर में मेल्ट हो जाते हैं, बहुत लो टेम्परेचर पर बॉयल हो जाते हैं, ठीक है। जैसे कि नमक वगैरह की, नमक और चीनी की बात करें, नमक जो है वो हमारे पास वो एक आयनिक कंपाउंड है, और जो चीनी है तो वो हमारे पास एक कोवेलेंट कंपाउंड है, या फिर हम उसको कह सकते हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड है। और दोनों का अगर आपको मेल्ट करना हो तो आप कभी घर पे तजुर्बा करना कि जो चीनी है, जो शुगर है ना, वो जल्दी मेल्ट हो जाता है, फ़ौरन से मेल्ट हो जाएगा, सिंपल वो ब्राउन टाइप का हो जाता है मेल्ट होने के बाद, ठीक है। जबकि यही अगर आप नमक को मेल्ट करना चाहेंगे तो उतना आराम से नहीं होगा, वो 800 डिग्री पर जाकर मेल्ट होगा, और घर पर ऐसा करना पॉसिबल भी नहीं है। इसके लिए फर्नेस या भट्टी टाइप की कोई चीज़ आपको चाहिए होगी। तो कहने का मकसद है कि बहुत हाई टेम्परेचर यहाँ पर हमारे पास रिक्वायर होगा। तो आयनिक बॉन्ड चूँकि एक मजबूत बॉन्ड होता है, स्ट्रॉन्ग बॉन्ड होता है, दैट्स वाई उसके जो इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स होते हैं उनमें आयनिक बॉन्ड होता है, उसको मेल्ट करना बड़ा मुश्किल होता है। जबकि कोवेलेंट कंपाउंड्स जो हैं ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, उनको मेल्ट करना आसान होता है, लो मेल्टिंग पॉइंट होती है, या अगर कोई लिक्विड है तो उसकी बॉइलिंग पॉइंट भी कम होगी, ठीक है। जैसे कि वाटर की बॉइलिंग पॉइंट 100 है, लेकिन इसी के मुकाबले में पेट्रोल वगैरह 60 डिग्री और 50 डिग्री में ही हमारा जो है वो बॉयल हो जाता है लो टेम्परेचर पर, ठीक है। अगला पॉइंट है कि मोस्ट ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर फ्लेमेबल। ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हम देखेंगे, मोस्ट सारे नहीं, मोस्ट 90% तक ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लेमेबल होते हैं। फ्लेमेबल मतलब जलने के काबिल, जो जल सकते हैं। अक्सर ऑर्गेनिक कंपाउंड आप देख सकते हैं कि वो जल जाते हैं, पेट्रोल है, डीजल है, सीएनजी है, एलपीजी है, कैरोसिन ऑयल है, थिनर है, इथाइल अल्कोहल है, ये सब के सब जल जाते हैं। इन सब के अंदर ये सब कंबस्टेबल होते हैं या फ्लेमेबल होते हैं, ठीक है। तो ज़्यादातर ऑर्गेनिक कंपाउंड फ्लेमेबल होते हैं, जल जाते हैं, मोस्ट ऑफ द, सारे नहीं, कुछ ऐसे भी वो नहीं जलते, ठीक है। सोयाबीन तेल एक ऑर्गेनिक कंपाउंड है लेकिन वो जलता नहीं है, जैसा पेट्रोल जल जाता है। इसी तरह से देयर रिएक्शंस आर स्लोअर देन इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स। ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के जो रिएक्शन है ना, अगर हम बात करेंगे ऑर्गेनिक इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के कंपैरिजन में, तो वो स्लो रिएक्शन करते हैं। इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन बहुत फास्ट होते हैं, सेकंडों में रिएक्शन हो जाता है, लेकिन ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के रिएक्शन जो है वो स्लो होते हैं, फ्यू मिनट्स लगते हैं उसको कंप्लीट होने में, बहुत फास्ट रिएक्शन हमारे पास नहीं होते, सही है। तो जिस तरह से जो डाइजेशन के अंदर जो रिएक्शन चल रहा होता है, डाइजेशन या जो खाना हजम होता है, वो सब ऑर्गेनिक रिएक्शंस चल रहे होते हैं। तो खाना आपको पता है आनन फानन हजम नहीं होता, इट विल टेक सम टाइम टू डाइजेस्ट। सो ऑर्गेनिक रिएक्शंस हमेशा से ही मॉडरेट रेट पर चलते हैं, या इनऑर्गेनिक कंपाउंड्स के मुकाबले में स्लो रेट रखते हैं, ठीक है। तो ये हमारे पास हो गए, दैट आर द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसके बाद हम आते हैं, नेक्स्ट हमारे पास आती है टॉपिक पोलीमराइजेशन। तो पोलीमराइजेशन क्या है? पोलीमराइजेशन बेटा एक प्रोसेस है, तो ये नेक्स्ट डेफिनेशन है आएगी तो पोलीमराइजेशन की। तो पोलीमराइजेशन क्या है बेटा? एक प्रोसेस है, एक अमल है, एक प्रोसेस है। इस प्रोसेस में क्या होता है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो हमारे पास मोनोमर है, एक ऐसा प्रोसेस जिसके अंदर जो मोनोमर है वो कन्वर्ट हो जाता है पॉलीमर के अंदर, इस प्रोसेस को हम लोग कहते हैं पोलीमराइजेशन। The process in which a monomer is converted into a polymer is called polymerization. या फिर the process by which polymers are made is called polymerization. वो process जिसमें polymer बनता है उसको हम लोग कहते हैं polymerization. अब polymer दो वर्ड से निकले, एक वर्ड है poly और एक वर्ड है mer. Poly का मतलब होता है कि many,
और मर के मतलब होते हैं पार्ट, मैनी पार्ट, या एक बिग मॉलिक्यूल, एक बड़ा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे छोटे छोटे पार्ट से मिलकर बना हो, उसे हम लोग कहते हैं पॉलीमर। पॉलीमर क्या होता है बेटा? एक मैक्रो मॉलिक्यूल होता है। मैक्रो का मतलब होता है बिग या बड़ा। पॉलीमर क्या है? एक मैक्रो मॉलिक्यूल। तो माइक्रो होता है, माइक्रो मतलब होता है छोटा, मैक्रो मॉलिक्यूल का मतलब होता है बड़ा मॉलिक्यूल, एक ऐसा मॉलिक्यूल जो बहुत सारे छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बना हो, इसी मैक्रो मॉलिक्यूल को पॉलीमर कहा जाता है। और जिस प्रोसेस में पॉलीमर बनता है उस प्रोसेस को पॉलीमराइजेशन कहा जाता है। तो वो प्रोसेस जिसमें पॉलीमर्स बनते हैं उसको कहा जाता है पॉलीमराइजेशन। और कैसे बनते हैं? अ लार्ज नंबर ऑफ मोनोमर्स या माइक्रो मॉलिक्यूल, जो छोटे मॉलिक्यूल्स हैं, आर कम्बाइंड टू फॉर्म अ पॉलीमर। जब वो बहुत सारे कम्बाइन होते हैं तो हमारे पास पॉलीमर बनता है। मोनो का मतलब होता है सिंगल या एक, मतलब सिंगल पार्ट, छोटे छोटे स्मॉल यूनिट्स मिलकर जो है वो बिग यूनिट की फॉर्मेशन करते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर। और ये प्रोसेस कहलाता है पॉलीमराइजेशन। जैसे आपने देखा होगा फूलों का एक हार बनाना होता है, तो बहुत सारे फ्लावर्स को जो है वो एक साथ जो है वो एक थ्रेड के अंदर जो है पिरोया जाता है, जिससे क्या होता है एक हार तैयार हो जाता है। हम उसको एक सच टाइप कह सकते हैं कि उसके अंदर एक पॉलीमराइजेशन की प्रोसेस चल रही है। जो गुलफरोश क्या कर रहा है, जो है वो क्या कर रहा है, फूल बना, वो हार तैयार कर रहा है। या फिर आपने तस्बीह दाने देखे होंगे, ठीक है, आपने तस्बीह दाने देखे होंगे, तो रोजरी जिसको इंग्लिश में कहते हैं तस्बीह दाना, उसमें क्या होता है कि बहुत सारे बीट्स होते हैं, वो एक थ्रेड के साथ उसको जोड़ दिया जाता है, जिससे क्या होता है वो तस्बीह दाना तैयार हो जाता है पूरा। तो इस तरह से छोटे छोटे मॉलिक्यूल्स क्या होते हैं, बॉन्ड बनाकर बड़े बड़े मॉलिक्यूल की फॉर्मेशन करना शुरू कर देते हैं, इसको हम लोग कहते हैं पॉलीमर, ठीक है। तो अब पॉलीमर हमारे पास बहुत सारे होते हैं जो हम डेली लाइफ में हम देखते हैं या इस्तेमाल करते हैं या हमारे इंटरेक्शन में आते हैं। दो तरह के पॉलीमर हमारे पास होते हैं मेन, एक नेचुरल पॉलीमर होता है और एक आर्टिफिशियल पॉलीमर होता है। नेचुरल पॉलीमर जो कुदरती तौर पर अल्लाह ताला ने बनाए हैं, जो कुदरत में मौजूद है, जो हम बना भी सकते हैं लेकिन कुदरती तौर पर भी हमें मिलते हैं, और वो बहुत सारे, जैसे कि स्टार्च। स्टार्च के बारे में आपने पढ़ा होगा, पॉलीसेकेराइड, कार्बोहाइड्रेट है ये स्टार्च। ये पोटैटो के अंदर होता है, आलू के अंदर होता है, चावल के अंदर होता है, आटे के अंदर होता है स्टार्च। ये हमारे फूड है, हमारी ग़िज़ा है, जिसको हम इनटेक करते हैं। तो स्टार्च बहुत सारे छोटे छोटे ग्लूकोज यूनिट से मिलकर बनता है। स्टार्च के बारे में सुना होगा आपने कि ये ग्लूकोज का एक पॉलीमर होता है, जो स्टार्च होता है। बायोलॉजी वाले स्टूडेंट्स अच्छी तरह जानते होंगे इसको, ठीक है। इसी तरह से सेलुलोज, तो सेलुलोज भी क्या है, हमारे पास एक पॉलीमर है सेलुलोज। तो ये असल प्लांट्स के अंदर मौजूद होता है, पत्तों में होता है, और जो स्ट्रक्चर होता है किसी भी प्लांट का या ट्री का, वो सेलुलोज बनाता है। सेल वॉल इसी से मिला बना होता है, आपको पता है। इसी तरह से ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन अगर आपको पता है बायोलॉजी में थोड़ा बहुत आपने पढ़ा होगा, इसको हम लोग एनिमल स्टार्च भी कहते हैं ना भाई, ग्लाइकोजन को। तो ये भी जो है वो ग्लूकोज का पॉलीमर होता है। ये जो ग्लाइकोजन होता है ये हमारे बॉडी में लीवर के अंदर होता है, ये स्टोरेज है ग्लूकोज का, स्टोरेज ऑफ ग्लूकोज है कि अ लार्ज नंबर ऑफ ग्लूकोज यूनिट्स फॉर्म ग्लाइकोजन। ये लीवर में होता है जब इंसान फास्टिंग पीरियड में होता है, जब उसको खाना नहीं मिल रहा होता, ग़िज़ा नहीं मिल रहा होता है, तो लीवर में मौजूद ग्लाइकोजन हाइड्रोलाइज होकर क्या करता है, आपको एनर्जी प्रोवाइड करता है और आपके फूड की ज़रूरत को पूरी करता है। तो स्टोरेज ऑफ एनर्जी सुना होगा आपने, ये ग्लाइकोजन कहलाता है, ठीक है। कभी बायो आपने थोड़ी बहुत पढ़ी है तो आपने इसके बारे में अंदाज़ा हुआ होगा। तो ये सारे हमारे नेचुरल हैं जो कुदरती तौर पर मौजूद हैं। इसी तरह से आर्टिफिशियल भी होते हैं बेटा, मस्नूई सिंथेटिक पॉलीमर भी जिसको हम कहते हैं, जो सिंथेटिकली बनाया जाता है इंडस्ट्रीज़ के अंदर, कंपनीज़ के अंदर डिफरेंट रिएक्शंस के थ्रू। अब जैसे उसमें से एक पॉलीथीन है, पॉलीथीन बैग्स जो होते हैं ना, शॉपिंग बैग्स जो होते हैं, थैलियाँ सब्जियाँ वगैरह जिसमें लेकर आते हैं वो। इसी तरह से बेकलाइट है, बेकलाइट जिसको हार्ड प्लास्टिक हम कहते हैं ना, बेकलाइट हमारे पास होता है हार्ड प्लास्टिक। ये पॉलीथीन भी प्लास्टिक होता है, जितने भी प्लास्टिक हैं वो सारे के सारे पॉलीमर्स ही होते हैं। तो पॉलीथीन प्लास्टिक तो वो जैसे शॉपिंग बैग बनते हैं, और एक बेक लाइट होता है हार्ड प्लास्टिक जिसको कहा जाता है, जिससे बटन्स वगैरह बनाए जाते हैं, स्विच बोर्ड्स हो गए, या फिर जो पेन वगैरह हैं उनकी बॉडी बनाई जाती है बेक लाइट से, ये हार्ड प्लास्टिक कहलाता है, ठीक है। तो हम लोग बिहारी में तो उसको बोलते हैं कचकड़ा, हमारे बिहारियों के ज़माने में उसको हम कहते हैं कचकड़ा, कचकड़े की बॉल होती है ना, सुना होगा। और कराची वाले उसको क्या बोलते हैं, करमच, करमच या ऐसे बोलते हैं ना, सुना है, करमच बोलते हैं, करमच की बॉल। जब मैं जाता था खेलने के लिए बचपन में, तो लोग कहते थे वहाँ के करमच की बॉल लेकर आओ, मैं बोलते करमच की बॉल कौन सी होती है, फिर वो लेकर आते थे कचकड़े की। मैं बोलता था यार ये तो कचकड़े की, वो बोलते हैं ये कचकड़ा क्या होता है, मतलब ये हमारी ज़बान में होता है कचकड़ा, हार्ड प्लास्टिक। वैसे करमच भी कहते हैं, बेक लाइट कहलाते हैं इंग्लिश में, ठीक है, हार्ड प्लास्टिक कहते हैं। तो इसके अलावा पीवीसी, मतलब गुलशन कैंपस में मैं उसको पढ़ाता हूँ तो मैं उसको करमच ही बोलता हूँ, और ही कैंपस में बोलता खचकड़ा, समझ में जिसको जहाँ आता है वैसी बात करते हैं, ठीक है। इसी तरह से पीवीसी हमारे पास होता है, पीवीसी पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये भी एक सिंथेटिक पॉलीमर है। ये पाइप्स वगैरह बनते हैं ना इसे,
सुना होगा आपने पीवीसी पाइप्स बनती हैं जो सेवरेज की और पाइप की लाइंस वगैरह डाले जाते हैं, आजकल तो पीवीसी का ही बनता है सारा, ठीक है। तो ये सब हमारे पास सिंथेटिक, बनाना नहीं सीख रहे अभी हम इसको, ये आगे जाकर टॉपिक्स अगले चैप्टर में आएंगे। अभी बस मैं बता रहा हूँ दो तरह के पॉलीमर होते हैं, नेचुरल भी होते हैं और इस तरह से सिंथेटिक भी होते हैं, ठीक है। इसी तरह से अब टाइप्स ऑफ पॉलीमराइजेशन की बात करते हैं, तो पॉलीमर के टाइप्स मैंने बता दी। अब पॉलीमराइजेशन जिस प्रोसेस से पॉलीमर बनता है उसके दो टाइप्स हैं, एक हमारे पास कहलाता है एडिशन पॉलीमराइजेशन और एक हमारे पास कहलाता है कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। एडिशन में क्या होता है कि मोनोमर्स जो होते हैं ना वो ऐड हो जाते हैं। कैसे ऐड होते हैं? बाय पाई बॉन्ड क्लेवेज, पाई बॉन्ड के टूटने से। पाई बॉन्ड आपको पता है कि अगर एक डबल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा बॉन्ड होता है, एक पाई बॉन्ड होता है, तो जब ये पाई बॉन्ड टूटता है तो उसको पाई बॉन्ड क्लेवेज कहते हैं। चूँकि हमने फर्स्ट ईयर के अंदर पढ़ा है कि पाई बॉन्ड इज वीकर बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड के मुकाबले में पाई बॉन्ड वीक होता है बिकॉज वो साइडवेज ओवरलैपिंग से बनता है। डबल ट्रिपल बॉन्ड उसको तोड़ना ज़्यादा आसान होता है, और सिग्मा सिंगल बॉन्ड होता है उसको तोड़ना मुश्किल होता है बिकॉज वो हेड टू हेड ओवरलैपिंग से बनता है, ठीक है। तो पाई बॉन्ड के टूटने से, पाई बॉन्ड के क्लेवेज से जब अगर मोनोमर्स ऐड होना शुरू हो जाए तो उसको हम कहते हैं एडिशन पॉलीमराइजेशन। जैसे कि पॉलीइथीन, इसको पॉलीइथीन भी कहते हैं हम लोग, पॉलीइथीन होता है ये। पॉलीइथीन असल में एडिशन पॉलीमर होता है इथीन का। तो इथीन जो है ना वो असल में एक मोनोमर है, और बहुत सारे इथीन के मिलाने से आप जाहिर सी बात है पॉलीमर बनेगा, इसको हम कहते हैं पॉलीइथीन, और इंडस्ट्री में इसको बनाया जाता है। इसकी पूरी फील्ड होती है, एनएडी यूनिवर्सिटी के अंदर पूरी आपको फील्ड मिलेगी पॉलीमर इंजीनियरिंग, पॉलीमर एंड पेट्रोकेमिकल इंजीनियरिंग के नाम से। तो उसके अंदर ये पॉलीमराइजेशन को ही पढ़ते हैं पूरे चार साल, लेकिन हम तो चार मिनट पढ़ लें तो हमारे लिए बहुत है, ठीक है। जाहिर सी बात है चूँकि हम तो सेकेंड ईयर में ना भाई, हमें को इन डिटेल चार साल तो पढ़ना नहीं है उसको। तो एडिशन पॉलीमराइजेशन क्या है भाई? जब क्या होता है, जब मोनोमर्स पाई बॉन्ड की क्लेवेज से क्या होते हैं बेटा, जब वो पॉलीमर की फॉर्मेशन करते हैं। अब पॉलीथीन जो है वो एडिशन पॉलीमराइजेशन का, अब नीचे मैंने फॉर्मूला वो भी दिखा दिया कि स्ट्रक्चर कैसे बन रहा है। तो यहाँ देखिए, हमने यहाँ पर इथीन ले लिया। इथीन का फॉर्मूला आप जानते हो, इथीन हमारे पास क्या होता है, C2H4 होता है ना भाई, दिस इज इथीन। दो कार्बन डबली बॉन्डेड होता है, डबल बॉन्ड होता है। तो ये हमारे पास इथीन है C2H4, और ये भी हमारे पास इथीन है C2H4। इस तरह से एक दो नहीं होते, बहुत सारे होते। देयर विल बी लार्ज नंबर, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ इथीन मॉलिक्यूल्स विल बी देयर। हज़ारों लाखों करोड़ों की तादाद में मोनोमर्स होते हैं जो मिलकर पॉलीमर बनाते हैं। अब आपको पता है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है, ये हमारे पास सिग्मा बॉन्ड है और ये पाई बॉन्ड है। होगा क्या बेटा कि ये पाई बॉन्ड यहाँ से हमारा ब्रेक होगा। अब जब एक पाई बॉन्ड टूटता है तो दो सिग्मा बॉन्ड बनते हैं, ठीक है। जब ये एक पाई बॉन्ड टूटेगा तो दो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म होंगे, सिंपल रूल है। अब ये जब पाई बॉन्ड टूटेगा तो हर कार्बन के तीन तीन बॉन्ड हो जाएंगे, तो क्या होंगे कि सारे कार्बन जो है ना वो आपस में कनेक्ट हो जाएंगे लाखों करोड़ों की तादाद में, और इस तरह से चेन हमारे पास बन जाएगी। अब इसके अंदर क्या होगा, मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ कार्बन एटम CH2 के लॉन्ग चेन में बने होंगे। तो ये हमारे पास एक बन गया पॉलीमर, ये कहलाएगा हमारे पास पॉलीइथीन। तो ये इथीन था और ये इथीन का पॉलीमर हो गया, जिसको हम लोग कहते हैं पॉलीइथीन। जब भी पॉलीमर को लिखा जाता है तो उसका एक तरीका है कि स्मॉल एन उसके अंदर लगा देते हैं, नीचे ब्रैकेट में स्मॉल एन लिख देते हैं। इसका मतलब होता है कि ये एन नंबर ऑफ टर्म्स तक जा रहा है, इनफाइनाइट नंबर ऑफ टर्म्स तक ये जा रहा है। ये नहीं कि सिर्फ चार एटम होंगे इसमें कार्बन के, मिलियंस एंड बिलियंस ऑफ एटम होंगे। लेकिन चूंकि हम नहीं बना सकते हैं, चूंकि बोर्ड भर जाएगा पूरा, बल्कि पता नहीं हज़ारों बोर्ड चाहिए होंगे बनाने के लिए, तो इसलिए हम यहाँ पर एन लगा देते हैं ताकि इससे पता लगे कि ये इनफाइनाइट चले जा रहे हैं, ठीक है भाई। तो ये हमारे पास एडिशन पॉलीमराइजेशन आपको समझ में आ गया बेटा कैसे होगा पाई बॉन्ड के टूटने से। अब एक हमारे पास होता है जिसको हम कहते हैं कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन। अब कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन क्या होता है, जिसमें पॉलीमर्स आर फॉर्म बाय द एलिमिनेशन ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल सच एज वाटर। इसमें क्या होता है, इसमें भी हमारे पास क्या होगा कि पॉलीमर बनेंगे, लेकिन इसमें पॉलीमर कैसे बनेंगे, बाय द एलिमिनेशन। एलिमिनेशन का मतलब होता है बाहर निकलना, बाहर निकल जाना किसके, ऑफ सिंपल मॉलिक्यूल। मतलब जब मोनोमर्स ऐड होंगे तो सिंपल से मॉलिक्यूल क्या होगा, एक इजेक्ट हो जाएगा जिससे मोनोमर साथ में जुड़ जाएंगे। अब वो सिंपल मॉलिक्यूल कोई भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट ऑफ द टाइम वो क्या होता है, हमारे पास वाटर होता है। वाटर एक सिंपल मॉलिक्यूल है जिसकी एलिमिनेशन से क्या होता है, कंडेंसेशन पॉलीमराइजेशन होती है। अब इसकी एक एग्जांपल मैं आपको दे देता हूँ, दैट इज़ बेकलाइट। बेकलाइट भी एक प्लास्टिक है लेकिन हार्ड प्लास्टिक है, पॉलीथीन एक सॉफ्ट प्लास्टिक होता है, ठीक है। अब बेकलाइट जो है ना बेटा, वो कंडेंसेशन पॉलीमर है, इसके दो मोनोमर्स होते हैं। तो एनएडी यूनिवर्सिटी का जो टेस्ट होता है उसमें आता भी इस टेस्ट में क्वेश्चन कि बेकलाइट इज़ अ पॉलीमर ऑफ डैश। चूँकि एनएडी में तो पास पेपर रिपीट हो रहे होते हैं तो उसमें ये हर साल आ रहा होता है। तो बेकलाइट इज़ अ कंडेंसेशन पॉलीमर ऑफ डैश, क्योंकि दो चीज़ों का पॉलीमर है, एक हमारे पास है फिनॉल और दूसरा हमारे पास है फॉर्मेल्डिहाइड। तो ये फिनॉल और फॉर्मेल्डिहाइड, जब ये दो मोनोमर साथ में मिलते हैं तो बेकलाइट तैयार होता है। अब कैसे, जैसे देखो मैंने यहाँ पर जो है वो फिनॉल बना दिया, बहुत सारे फिनॉल और बहुत सारे फॉर्मेल्डिहाइड होंगे, एक अल्टरनेट पैटर्न होगा, फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड फिनॉल फॉर्मेल्डिहाइड, इस तरह से ये चलता रहेगा।
अब जैसे ही हमारे पास है फिनॉल, फिनॉल में क्या होता है, बेंजीन रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच होता है, ये बेंजीन रिंग है, बेंजीन की रिंग के साथ OH ग्रुप अटैच हो जाए तो उसको हम लोग कहते हैं फिनॉल। फॉर्मल्डिहाइड कौन सा कंपाउंड होता है, सी डबल बॉन्ड O के दोनों तरफ हाइड्रोजन होता है, आगे हम इसको पढ़ेंगे बहुत डिटेल में, तो अभी शायद आपको नया नया लगेगा ये। इस कंपाउंड का नाम है फॉर्मल्डिहाइड। तो फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, फिनॉल फॉर्मल्डिहाइड, बहुत सारे ऐसे मॉलिक्यूल जुड़ेंगे। अब होगा क्या बेटा, एलिमिनेशन होगी। अब एलिमिनेशन किस तरह से होगी, जरा देखो। अब होगा क्या, फिनॉल में ना यहाँ पर भी हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, वो दिखाई नहीं देते हैं आपको, मतलब हम हाइड्रोजन एटम्स को छुपा लेते हैं, ये सारे हर तरफ हाइड्रोजन एटम्स होते हैं, ये हर सुहर जानब होते हैं, हर कार्बन के साथ लगे होते हैं, हर जगह पर हैं, लेकिन हम यहाँ शो नहीं करते, अभी मैं शो कर दे रहा हूँ चूँकि मुझे मैकेनिज्म बताना है रिएक्शन कैसे हो रहा है। तो होगा क्या बेटा, सिंपल सा काम होगा कि यहाँ से H एक निकलेगा, यहाँ से O निकलेगा और यहाँ से H निकलेगा। अब देखो HOH निकल गया तो ये वाटर H2O, वाटर क्या होगा, यहाँ से एलिमिनेट हो जाएगा। जब वाटर एलिमिनेट होगा तो ये जो CH2 है ना, ये इन दोनों फिनॉल को साथ में जोड़ देगा। देखो ये फिनॉल आ गया, फिर CH2 ग्रुप, फिर बॉन्ड बन गया, फिर फिनॉल आ गया, फिर आगे CH2 फिनॉल, CH2 फिनॉल, CH2 फिनॉल की एक लॉन्ग चेन, हज़ारों लाखों इस तरह से जो है ना वो मॉलिक्यूल्स की बन जाएगी। अब यहाँ पर देखो पाई बॉन्ड नहीं टूट रहा, जैसे ऊपर हो रहा था ना, पाई बॉन्ड के टूटने से बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही थी, यहाँ पर पाई बॉन्ड नहीं टूट रहा, बल्कि हो क्या रहा है, यहाँ पर एलिमिनेशन हो रही है मोनोमर्स के अंदर से सिंपल मॉलिक्यूल की। जैसे यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक हाइड्रोजन, यहाँ से एक ऑक्सीजन निकल गया, तो क्या होगा बाद में, ये CH2 जो है ना, CH2 कार्बन के दो बॉन्ड बच गए खाली, तो एक बॉन्ड उसने यहाँ से बना लिया, एक बॉन्ड यहाँ से बना लिया, और इस तरह से सारे मॉलिक्यूल्स को उसने आपस में मिलाकर जोड़ दिया। ठीक है, तो दो तरह के हम कह सकते हैं पॉलीमराइजेशन हो सकती है केमिस्ट्री की दुनिया में, या तो एडिशन के थ्रू होगी पाई बॉन्ड के टूटने से, या फिर कैसे होगी, वाटर के मॉलिक्यूल के रिमूवल से। जैसे बेकलाइट सबसे मशहूर एग्जांपल है इसका, कचकड़ा जो बनता है हमारा। ठीक है, क्लियर है भाषा में आगे। तो ये पॉलीमराइजेशन बुक से थोड़ा ज़्यादा बता दिए, ओल्ड बुक से भी मैंने थोड़ा सा ऐड कर दिया उसके अंदर, न्यू बुक में बहुत स्मॉल टॉपिक है यार ये, पहले चैप्टर छोटा सा और छोटा हो जाएगा, तो मैंने थोड़ा सा पुरानी बुक से ऐड कर दिया उसके अंदर, क्या कॉन्सेप्ट अच्छा बन जाए, क्योंकि आगे भी पढ़ना होगा तो पता लगे चीज़ों के बारे में, क्योंकि इस बुक में तो बहुत चीज़ें निकाल दी गई हैं, और ऐसे बुक्स चीज़ें भी थी जिनको पढ़ाना चाहिए था लेकिन वो नहीं डाला गया, तो मैं अपने तौर पर मैं आपको बता दूंगा कुछ ना कुछ। ठीक है, तो बाकी उसके बाद नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, तो दिस इज नेक्स्ट टॉपिक इज कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। अब होमोलोगस सीरीज के बारे में पढ़ते हैं, ये भी आपने क्लास जो है वो मैट्रिक के अंदर आपने इसको पढ़ा होगा, होमोलोगस सीरीज, ये डेफिनेशन आएगी इसकी यहाँ से यहाँ तक है। होमोलोगस सीरीज किससे कहते हैं बेटा, दो वर्ड से निकला है, एक होमो और एक लोगस, तो दो वर्ड से यहाँ हमारे पास आया है, एक होमो है और एक लोगस है। होमो का क्या मतलब होता है, होमो का मतलब होता है सेम, और लोगस का मतलब क्या होता है, लोगस का मतलब होता है रेशो। तो होमोलोगस का मतलब यहाँ पर हमारे पास होता है दिस इज कॉल्ड सेम रेशो, सेम रेशो होमोलोगस। सीरीज का मतलब सीरीज ऑफ कंपाउंड, तो होमोलोगस के ना वर्ड पे फोकस करना है कि होमो का मतलब क्या और लोगस का मतलब क्या। होमो मतलब सेम और लोगस मतलब रेशो, सेम रेशो। अब आ जाओ उसके डेफिनेशन में कि द कंसेक्यूटिव मेंबर्स ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स डिफर विद अ फिक्स रेशियो ऑफ CH2 फॉर्मिंग अ सीरीज ऑफ कंपाउंड कॉल्ड होमोलोगस सीरीज। ये डेफिनेशन है इसके, कि होता क्या है जब हम किसी ऑर्गेनिक कंपाउंड की बात करते हैं तो उनकी पूरी फैमिलीज होती हैं बेटा। जैसे सबसे इजी है मीथेन की फैमिली, अल्केन की फैमिली, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन एंडिकेन, ऐसा होता है ना बेटा, मीथेन से स्टार्ट होकर चलता रहता है, मीथेन, इथेन, प्रोपेन, सुना होगा आपने। तो अब ये जो है ना सारे मेंबर्स आप देखोगे ना, हर अगला मेंबर पिछले मेंबर से CH2 के फर्क से होता है। जैसे मैंने यहाँ पर एग्जांपल में ना होमोलोगस सीरीज अल्केन की यहाँ पर बता दी है। अब अल्केन आपको पता है जैसे CH4 मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, ये चल जाए ना हमारे पास, क्योंकि अल्केन हमारे पास जो होता है जनरल फॉर्मूले पे चलता है CnH2n+2 के फॉर्मूले पे चल रहा होता है ना ये, तो जितना कार्बन होता है उसका डबल करके दो ऐड कर देते हैं, हाइड्रोजन बन जाता है। ठीक है, 2n+2 जिसको हम कहते हैं, तो मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, इस तरह से पेंटेन, हेक्सेन सब चलेगा। जो बात याद रखने की, देखो हर अगला मेंबर ना CH2 के फर्क से, CH4 में एक CH2 ऐड कर दो क्या बन गया C2H6, C2H6 में और CH2 ऐड कर दो तो क्या बन गया C3H8, C3H8 में CH2 ऐड कर दो तो क्या बन गया C4H10। अब अगला हम खुद ही प्रिडिक्ट कर सकते हैं कि C5H12 होगा, ऐसा ही है। इसको हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज, कि कंसेक्यूटिव मेंबर में CH2 का डिफरेंस होता है ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के अंदर, और ये जो सीरीज चलती है सीरीज को हम लोग कहते हैं होमोलोगस सीरीज, दैट्स वेरी सिंपल। अब होमोलोगस सीरीज की कुछ प्रॉपर्टी मैंने यहाँ पर चार प्रॉपर्टीज लिखी हैं सीरीज के ऊपर, कि कॉमन डिफरेंस CH2 का तो होता है, हम ये भी कह सकते हैं कॉमन डिफरेंस यहाँ पर 14 AMU मॉलिकुलर वेट का होता है। सिंपल सी बात है, क्योंकि एक कार्बन का हमें पता है ना 12 यहाँ हो गया और दो हाइड्रोजन तो 2 हो गया, तो 14 हो गया ये। तो हर अगला मेंबर पिछले वाले से CH2 वो 14 AMU के फ़र्क से भी होगा। अब आप इसका सबका मॉलिकुलर मास निकालो,
अब इसका मॉलिकुलर मास कुछ भी है ना, 12 + 4 कितना आ गया इसका मॉलिकुलर मास, 16 आ गया ना बेटा। अब इसका कितना आएगा, मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, 16 में क्या कर दो कि 14 ऐड कर दो, कितना हो गया 30 हो गया। अब आप निकाल के देख लो उसका 30 आएगा, 24 और 6 30 हो गया। अब 30 में फिर 14 ऐड करो, कितना हो गया, अब आप उसको निकाल के देख लेना 44 ही आएगा 100%। तो ये भी कह सकते हैं कॉमन एक डिफरेंस इसका भी चल रहा होता है लाइक मॉलिकुलर मास का, क्योंकि CH2 बढ़ रहा है तो एक कार्बन डाइ ऑक्साइड का मॉलिकुलर मास भी बढ़ रहा होगा 14 AMU। क्लियर है, बहुत आसान, मतलब एक चैप्टर छोटा इसलिए कि इसमें बातें ही आसान है ना बेटा, मुश्किल बातें हैं ही नहीं। ये नहीं कि जल्दी के चक्कर में मैं 3 लेक्चर में ख़त्म करूँ, उसमें और क्या मैं बता सकता हूँ, इजी बात है। ठीक है, नेक्स्ट है, ऑल द मेंबर्स आर केमिकली सिमिलर। एक होमोलोगो सीरीज में सारे जो कंपाउंड्स होते हैं वो केमिकली सिमिलर होते हैं, केमिकल प्रॉपर्टीज सबकी सेम होती है। जैसे अल्केन्स होते हैं ना, अल्केन्स को पैराफिन्स भी कहा जाता है। इनको पैराफिन्स कहने की वजह क्या होती है, दे आर लेस रिएक्टिव, ये इन सब की रिएक्टिविटी लेस होती है बिकॉज इसमें सिग्मा बॉन्ड होते हैं, सिर्फ सिंगल बॉन्ड होता है जो कि मजबूत बॉन्ड होते हैं। इसी वजह से जितने भी अल्केन्स होते हैं वो सब के सब लेस रिएक्टिव होते हैं। अल्केन्स के बारे में पूरा चैप्टर आपका आएगा चैप्टर 5, तो वहाँ पर तो बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, वहाँ इतनी सी जगह पर बात नहीं करेंगे, वहाँ पूरा बोर्ड अल्केन पर भरेंगे सिर्फ। ठीक है, तो आगे जाकर आएगा, चूँकि आगे चैप्टर सब चलेंगे ऑर्गेनिक के सारे, आपको पता है बुक निकालेंगे आपको पता लग जाएगा। तो कहने का मकसद क्या है बेटा, कि केमिकली सिमिलर हैं, जैसे कि रिएक्टिव अल्केन्स लेस रिएक्टिव होते हैं। अब मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ब्यूटेन, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, ऑक्टेन, नॉन इंडिकेन सब लेस रिएक्टिव होंगे। तो केमिकल प्रॉपर्टीज इन सब के सेम होती हैं बट फिजिकली डिफरेंट, लेकिन फिजिकल प्रॉपर्टीज अलग अलग होती हैं। जैसे कि फिजिकल प्रॉपर्टीज में क्या आ सकती है, स्टेट आ सकती है, सॉलिड लिक्विड गैस। अब ऐसा नहीं मीथेन, मान लेते मीथेन, इथेन, प्रोपेन, ये हमारे पास क्या है, प्रोपेन और ब्यूटेन, ये हमारे पास सारी गैसेज हैं। लेकिन इसका जो अगला मेंबर आएगा ना हमारा, पेंटेन, हेक्सेन, हेप्टेन, वो क्या हो गया बेटा, लिक्विड्स हो जाएंगे, वो जैसे पेट्रोल है बताया था ना, लिक्विड है वो। उसके बाद और आगे बढ़ते जाएंगे तो क्या होगा, सॉलिड्स आने स्टार्ट हो जाएंगे। तो उसका क्या मतलब हो गया कि केमिकली तो सिमिलर हैं ये सारे कंपाउंड्स, लेकिन फिजिकली डिफरेंट है। जब हम टॉप से बॉटम जाते हैं तो स्टेट में वेरिएशन आ रही होती है, शुरू ऊपर जो होते हैं वो सारे के सारे गैसेस होते हैं, फिर लिक्विड्स, फिर नीचे आने शुरू हो जाते हैं तो सॉलिड्स आने स्टार्ट हो जाते हैं। एक वक्त आता है कार्बन की 100, 150, 200 हो जाती है, सब सॉलिड बन जाते हैं, वैक्स वगैरह के टाइप, पैराफिन वैक्स वगैरह आगे पढ़ेंगे वो बनना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और फिजिकल प्रॉपर्टी में किस तरह से वेरिएशन आती है, एक पॉइंट मैंने नीचे बताया कि बॉइलिंग, बीपी जब मैं लिखता हूं मतलब बॉइलिंग पॉइंट, शॉर्ट में लिखता हूं एमपी मतलब मेल्टिंग पॉइंट। आप देखते हैं हर जगह पर मैं शॉर्टकट ही यूज़ कर रहा होता हूं बॉइलिंग पॉइंट के लिए। द बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज डाउन द ग्रुप ड्यू टू स्ट्रॉन्गर लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज। जब हम टॉप से बॉटम जाएंगे तो स्टेट चेंज हो रहा है ना बेटा, पहले गैसेज आ रही हैं, फिर लिक्विड्स आ रही हैं, फिर सॉलिड्स आ रहे हैं, तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ रही होगी, सिंपल सी बात है। अब बॉइलिंग पॉइंट क्यों बढ़ रही है, अगर ये सवाल ये पैदा होता है तो मैं कहता हूँ कि लंडन डिस्पर्जन फोर्सेज के अंदर इजाफा हो रहा होता है। फर्स्ट ईयर के अंदर आपने पढ़ा था इंटरमोलिकुलर फोर्स का टॉपिक चैप्टर 5 के अंदर, उसमें हमने पढ़ा था लंडन डिस्पर्जन फोर्सेस, और उसमें हमने ये भी पढ़ा था जितनी लंबी चेन होगी ना उतना ज़्यादा लंडन फोर्स स्ट्रांग होगा, ऐसा ही है। अब चूंकि जब हम होमोलोगो सीरीज में नीचे जाते रह रहे हैं तो नंबर ऑफ कार्बन एटम बढ़ रहे हैं, तो चेन लंबी हो रही है, और जब चेन लंबी होती है तो सूरत में क्या होता है, लंडन फोर्सेज स्ट्रांग होती हैं, और जब इंटरमोलिकुलर फोर्सेज स्ट्रांग होंगी तो बॉइलिंग पॉइंट बढ़ेगी। बात समझ में आ गई, बस ये बहुत आसान सी बातें यहाँ पर होगी, क्लियर है सारी चीज़ें इसके ऊपर, दिस इज होमोलोगो सीरीज, इसके अलावा और कुछ याद नहीं रखना इसके बारे में। ठीक है, अब हम लोग सर ये टॉपिक तो एक पेज में लिखा है, तो मैंने निचोड़ लिख देता हूँ मैं बोर्ड पर ना एक बात का, इसी बात को घुमा फिरा के मैं पूरे बोर्ड में आप बोलोगे सर होमोलोगो सीरीज आज सिर्फ पढ़ाई, मैं 3 घंटा आपको होमोलोगो सीरीज पढ़ाऊंगा, इधर उधर से मिला बुला के इधर से करके पढ़ा दूंगा, लेकिन फ़र्क नहीं पड़ता उससे कुछ। दौर दुनिया बहुत फास्ट जा रही है, हमें तेज़ी से चीज़ों को कवर करके आगे जाना पड़ता है, और जितना कॉम्प्रहेंसिव और कंसाइज वे पर आप पढ़ो उतना अच्छा, याद भी उतने देर तक रहेगा, और लंबी चौड़ी दास्तानें ना भूल जाओगे थोड़ी देर बाद। ठीक है, मज़ा तो बहुत आ जाएगा इस वक्त, लेकिन घर जाकर भूल जाओगे, फिर 1 महीने बाद तो बिल्कुल जहन से निकल जाएगा। तो बेहतर ये शॉर्ट पॉइंट्स में याद रखो, जिससे चीज़ें याद रहें, जहन में रहें, पेपर से पहले भी हर चीज़ आ रही हो। ठीक है, नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास टॉपिक आएगा, दिस विल बी कॉल्ड एज फंक्शनल ग्रुप। इसकी भी डेफिनेशन एक आएगी आपके पास पेपर में, तो डेफिनेशन के बाद MCQs में अगर कुछ आएगा तो वो भी मैं बता देता हूँ। फंक्शनल ग्रुप किसे कहते हैं, दैट इज एटम्स और ग्रुप ऑफ एटम्स विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स आर कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। देखो ऑर्गेनिक कंपाउंड जितने भी होते हैं ना बेटा, जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं ये दो चीज़ों से मिलकर बनते हैं। ऑर्गेनिक कंपाउंड में दो चीज़ होती हैं, एक हमारे पास होता है R, और ये R बॉन्डेड होता है किसके साथ, FG मतलब फंक्शनल ग्रुप के साथ। दुनिया का हर ऑर्गेनिक कंपाउंड इसी तरह से आपको मिलेगा, R बॉन्ड FG। अभी R क्या है, R तो लॉन्ग कार्बन चेन है, रेडिकल इसको हम कहते हैं, अल्काइल रेडिकल, ये लॉन्ग कार्बन चेन है। ठीक है, तो R तो हमारे पास कार्बन की चेन है,
कार्बन चेन, ठीक है, तो लंबी लंबी कार्बन की चेन होती है और इससे मॉलिक्यूल में इतना खास फर्क नहीं पड़ता कार्बन की चेन से। कार्बन की चेन छोटी हो लंबी हो, बहुत ज़्यादा स्टेट का फर्क पड़ सकता है कि छोटी चेन है तो गैस है, बड़ी चेन है तो लिक्विड या सॉलिड है। इसके अलावा आर किसी तरह से और कोई बिहेवियर नहीं देती किसी कंपाउंड को। सबसे मेन बिहेवियर होता है इट इस एफ जी का, ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है, इट इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। रेडिकल से कार्बन चेन से कुछ नहीं होता, कार्बन चेन के साथ जो एटम या ग्रुप ऑफ एटम लगाया ना वो असल में क्या होता है बेटा, आपको कंपाउंड ऑर्गेनिक कंपाउंड को मेन प्रॉपर्टीज अलॉट कर रहा होता है। और एक दो तरह के नहीं, बहुत तरह के होते हैं, अगले चैप्टर में पढ़ना है नोमेनक्लेचर के अंदर। तो मैं सारे नहीं, कुछ मैं आपको यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप में आपको बता देता हूँ जो जो होते हैं केमिस्ट्री में इंपॉर्टेंट, बाकी कुछ लेस इंपॉर्टेंट भी हैं वो आगे जाकर देख लेंगे, ठीक है। तो अब हमने यहाँ पर पहले बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड यहाँ पर लिख दिए लाइन से और यहाँ पर फंक्शनल ग्रुप के लिए जगह छोड़ दी, मैं साथ साथ आपको बताता चलूँगा ताकि साथ साथ आपको कॉन्सेप्ट क्लियर हो चुके, स्ट्रक्चर बनते हैं उसके अंदर। सबसे पहला कंपाउंड हमारे पास है बेटा अल्कोहल। अल्कोहल अल्कोहल जो होता है इसमें क्या होता है, आर के साथ जो है ना बेटा OH अटैच होता है, यही होता है ना अल्कोहल। तो इसके अंदर जो OH है वो फंक्शनल ग्रुप है, तो यहाँ पर मैंने OH लिख दिया, OH इसका फंक्शनल ग्रुप है। आर तो लॉन्ग कार्बन चेन है, इसको नाम भी मैं लिख देता हूँ कि इसको हम लोग कहते हैं दिस इज कॉल्ड हाइड्रोक्सी या हाइड्रोक्सी ग्रुप कहलाता है, ठीक है। अल्कोहलिक ग्रुप भी कहते हैं, एक ही बात है, अभी मैं एक ही नाम बता रहा हूँ, सबके मल्टीपल नेम नहीं बता रहा हूँ। ईथर, ईथर भी एक कंपाउंड होता है। ईथर क्या होता है बेटा, आर ओ आर, ऑक्सीजन के दोनों तरफ रेडिकल्स की अटैचमेंट होती है। रेडिकल्स से मुराद कार्बन चेन चल रहे होते हैं दोनों तरफ, ठीक है। और ये कार्बन चेन जो आर चल रहे होते हैं वो क्या मैंने बताया, CnH2n+1, इस फॉर्मूले पे हमारे पास ये रेडिकल चल रहा होता है। CH3 इथमिथाइल इथाइल प्रोपाइल ब्यूटाइल, इस तरह से चलता रहता है ये। तो ईथर में क्या, ऑक्सीजन के दोनों तरफ कार्बन चेन लगे होते हैं। अब वो एक कार्बन, दो कार्बन, हज़ार कार्बन की चेन भी हो सकती है, इनफाइनाइट भी जा सकते हैं, इसमें कोई भेद नहीं है। ये नहीं कि हम क्लास सेकेंडरी में 5, 6, 10 कार्बन तक पढ़ेंगे, बड़ी क्लासों में जाके आप 200 कार्बन की चेन भी देखोगे, होती है, मतलब इसमें कोई ये नहीं है। गूगल जाकर करोगे तो आपको 200, 500 कार्बन की चेन मिलेगी, खासतौर पर बायो मॉलिक्यूल्स के अंदर, बहुत बड़े बड़े मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारे बॉडी के अंदर होते हैं, ठीक। कोई बात नहीं, जाने से फ़र्क नहीं पड़ता, बट मैं तो पढ़ा रहा हूँ। ऐसा तो अक्सर बच्चे यहाँ क्लासरूम में वो बैठे हुए आगे जाकर सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनना चाहते हैं और जिनके ज़िंदगी में ये किसी काम नहीं आने वाला, सिंपल सी बात है। हाँ, अगर कोई डॉक्टर बनने वाला है, इफ़ एनीबडी वांट्स टू बिकम अ डॉक्टर और डेंटिस्ट या कोई भी मेडिकल की फील्ड, तो उसके तो बहुत काम आएगी मेरी ये सारी बातें, लाइफ टाइम काम आती रहेंगी। इंजीनियरिंग वाले जो हैं, और अगर वो सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग की तरफ नहीं जा रहे तो उनके लिए तो समझो लास्ट टाइम है जो आप केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं या एप्टीट्यूड में पढ़ लेंगे, ठीक है। तो इंजीनियरिंग वालों को पढ़ाने में इतना मज़ा नहीं आता केमिस्ट्री, सच्ची बात ही है, क्योंकि उनका ना लाइफ में आगे करना नहीं है उनको जाकर, ये उनके जहन में कहीं ना कहीं है कि हमें ये पढ़ना ही नहीं, एंड एंड पढ़ रहे हैं। मज़ा उसको पढ़ाने में आता है जिसका लाइफ जीना उड़ना बिछोना यही होने वाला है, तो उसको कॉन्सेप्ट बनाने में ही मज़ा आएगा ना। अब आपको पता है इस एक साल दो साल पढ़ के भूल ही जाना है, सही बता रहा हूँ मैं, रियलिटी है ये, ठीक है। इसलिए इंजीनियरिंग वाले ने इतना इंटरेस्ट भी नहीं लेते जितना मेडिकल वाले लेते हैं केमिस्ट्री में इंटरेस्ट, ठीक है ना। एक वक्त था कि बच्चे केमिकल इंजीनियर बनना चाहते थे, पॉलीमर इंजीनियर, पेट्रोलियम इंजीनियर, पेट्रोकेमिकल इंजीनियर, मेटलर्जी, जो केमिस्ट्री से रिलेटेड इंजीनियरिंग होती है, उस वक्त मज़ा आता था इंजीनियरिंग वालों को भी पढ़ाने में। लेकिन अब क्या होता है कि बच्चे इस तरफ जाने ही नहीं चाहते इन फील्ड्स की तरफ, मतलब वो सीट छोड़ देते हैं अपनी। इस बार भी NET में आप देखो सीट नहीं लेते हैं बच्चे, कंप्यूटर साइंस नहीं मिल रही, NET छोड़ के वो प्राइवेट इधर उधर कहीं भी चले जाते हैं। वो कहते हैं चाहिए तो कंप्यूटर साइंस ही, जो बूम है, मतलब अभी देखो मैकेनिकल वगैरह की फील्ड कितनी डाउन हो गई NET के अंदर, अभी आप चेक करो। और जो केमिस्ट्री रिलेटेड सारी फील्ड छूटी हुई है, मतलब ले ही नहीं रहा कोई उसको, जॉब्स का मसला है पाकिस्तान में, सिंपल सी बात है, ये अफसोस की बात है पाकिस्तान के साथ के मामला दरपेश है। ओके, ईथर है, ईथर में क्या होता है, ऑक्सीजन के दोनों तरफ रेडिकल्स अटैच होते हैं। अब यहाँ पर जो फंक्शनल ग्रुप हमारा है बेटा, ये OR है, OR फंक्शनल ग्रुप है, ठीक है। तो यहाँ पर मैं लिख दिया OR, OR फंक्शनल ग्रुप है। R में कोई भी रेडिकल कार्बन चेन लगेगी, इस ग्रुप को नाम, इसको स्पेशल नाम हम दे देते हैं, दिस इज कॉल्ड अल्कोक्सी ग्रुप, ये अल्कोक्सी कहलाते हैं, मिथॉक्सी इथॉक्सी कुछ भी हो सकता है, रेडिकल पर बेस करेगा। अमाइन, अमाइन भी कंपाउंड्स होते हैं। अमाइन क्या होते हैं, आर के साथ NH2 लगा होता है। तो यहाँ जो फंक्शनल ग्रुप आ गया वो NH2 ग्रुप आ गया, इस ग्रुप का नाम हम लोग देते हैं कि दिस इज कॉल्ड अमाइनो ग्रुप, NH2 अमाइनो। एल्डिहाइड, एल्डिहाइड एक कंपाउंड होता है जिसके में क्या होता है, R के साथ C डबल बॉन्ड OH लगा होता है। जैसे यहाँ पर हमने फॉर्म एल्डिहाइड देखा था ना, ये कंपाउंड फॉर्म एल्डिहाइड, तो यहाँ पर HC डबल बॉन्ड OH लगा हुआ था। तो रेडिकल के साथ C डबल बॉन्ड OH अगर लगा हो ना, तो ये जो C डबल बॉन्ड OH ग्रुप होता है पूरा, C डबल बॉन्ड OH, दिस इज कॉल्ड एल्डिहाइड ग्रुप, ये अलग फंक्शनल ग्रुप है। सारी डिटेल आएंगी आगे जाकर, ठीक है। अभी ज़्यादा क्वेश्चंस ना आप करेंगे ना मैं आपको बताऊंगा इसके बारे में। इसके बाद कीटोन, कीटोन में क्या होता है, R C डबल बॉन्ड OR,
कीटोन ही होता है हमारे पास, ठीक है। अब इसका फंक्शनल ग्रुप क्या है उसका, पूरा ये वाला ग्रुप, तो यहाँ पर सी डबल बॉन्ड ओ आर जो ग्रुप है, दिस इज कॉल्ड, ये हमारे पास आ गया, दिस इज कीटोन फंक्शनल ग्रुप। इसके बाद फिर हमारे पास कार्बोक्सिलिक एसिड, एक हमारे पास कंपाउंड्स आते हैं कार्बोक्सिलिक एसिड, इनमें क्या होता है कार्बोक्सिलिक एसिड में आर सी डबल बॉन्ड ओ होता है इसमें भी, और ओ एच आता है इसमें एंड में, आर सी डबल बॉन्ड के साथ ओ एच अटैच होता है। तो जो सी डब्ल्यू एच ग्रुप होता है ना उसको मैं डायरेक्ट ऐसे लिख देता हूँ, वही बात है सी डबल बॉन्ड ओ एच सी डब्ल्यू एच, ये ग्रुप हमारे पास होता है कार्बोक्सिलिक एसिड या कार्बोक्सिलिक ग्रुप कहलाता है। एस्टर क्या होता है बेटा, आर सी डबल ओ आर, डायरेक्ट लिख देता हूँ उस पर, ठीक है। अब यहाँ पर जो ग्रुप हमारे पास फंक्शन ग्रुप आ रहा है वो क्या आ रहा है, सी डबल ओ आर आ रहा है। इसी तरह से अल्काइल हैलाइड, अल्काइल हैलाइड हमारे पास होते हैं आर के साथ एक्स जुड़ा होता है। अब यहाँ फंक्शन ग्रुप हमारे पास क्या आ गया, एक्स आ गया, एक्स में कोई भी हैलोजन हमारे पास यहाँ पर हो सकता है। एक्स से मुराद क्या है, मैंने इसे पहले भी आपको बताया था पीछे चैप्टर में, हैलोजेंस, इसमें सी एल बी या क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन कुछ भी हो सकता है एक्स में। लास्ट है नाइट्राइल, नाइट्राइल में क्या होता है बेटा, आर के साथ रेडिकल के साथ हमारे पास अटैच होता है सी एन, तो जो सी एन हमारे पास होता है वो फंक्शनल ग्रुप होता है। इसके अलावा भी होता है, यहाँ पर मैं क्या बता रहा हूँ, बहुत सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मैं आपको बता रहा हूँ, इनके जर्नल फॉर्मूले भी मैंने लिख दिए यहाँ पर, और सब में जो जो फंक्शनल ग्रुप है, ये फंक्शनल ग्रुप है जो एफ जी जिसको हम कह रहे हैं। अब फंक्शनल ग्रुप ये सब क्या करते हैं, ये एटम्स ये किसी भी कंपाउंड को डिफरेंट फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज अलाउट कर देते हैं, ठीक है, हर तरह से उसके बिहेवियर को चेंज कर देते हैं। मतलब सी एच थ्री या सी टू एच फाइव से हमारे पास कुछ भी नहीं होता, मेन चीज़ हमारे पास जो है फंक्शनल ग्रुप है जो मेन फंक्शन सर अंजाम दे रहा होता है, ठीक है। इसको मैं थोड़ा और एक्सप्लेन कर देता हूँ। अच्छा ये लिख लिया साइड से, ये साइड मिटा दो, लेफ्ट साइड, ठीक है, ओके, ठीक है। यहाँ पर मैं एक्सप्लेनेशन दे पाऊँ आपको, अब जैसे देखो मैं आपको इसको एक्सप्लेन करता हूँ इस बात को, अगर आप थोड़ा सा क्लियर नहीं हो सका आपको ये, जैसे कि मैंने क्या बताया कि जो भी ऑर्गेनिक कंपाउंड हमारे पास होते हैं वो क्या होता है, आर के साथ हमारे पास क्या जुड़ा होता है बेटा, एफ जी फंक्शनल ग्रुप, ठीक है, ये चीज़ मैं बता रहा हूँ आपको। आर क्या चीज़ है, आर से मुराद यहाँ पर, आर अगर आपको नहीं पता तो आर है यहाँ पर रेडिकल, अल्काइल रेडिकल भी इसको हम कहते हैं। ये क्या चीज़ होती है, ये होती है सी एन एच टू एन प्लस वन, ये कार्बन की चेन होती है, और ये फंक्शनल ग्रुप इनमें से कोई भी आ सकता है। अब मैं एग्जांपल में अगर कोई एक कंपाउंड ले लेता हूँ लाइक C2H5 में ले लूँ, और दूसरी जगह पर भी मैं C2H5 ले लूँ, ठीक है, दो जगह पर मैं C2H5 ले लेता हूँ, और एक जगह पर मैं लगा देता हूँ लाइक OH लगा देता हूँ फंक्शनल ग्रुप के तौर पे, और एक जगह पर मैं लगा देता हूँ इसके अंदर लेट से मान लेते हैं कि यहाँ पर हम लोग Cl अल्काइल हैलाइड का मैं Cl लगा देता हूँ, ठीक है। अब क्या होगा बेटा इसके अंदर कि ये OH यहाँ पर इसका फंक्शनल ग्रुप है हाइड्रोक्सी, और यहाँ Cl है, C2H5 से कोई फ़र्क नहीं पड़ता यहाँ पर, ये OH की वजह से क्या होगा, अब ये बन गया इथाइल अल्कोहल, ये नशा तारी करेगा, ये नशा प्रोड्यूस करेगा ना, तो ये नशा प्रोड्यूस करेगा, नशा तारी करेगा चीज़ ये। और जब हम बात करते हैं Cl लगाने की, तो Cl लगाने से हमारे पास क्या हो जाएगा, ये इंसान को बेहोश कर देगा, मतलब ये टॉक्सिक जैसा हो जाएगा, ये बेहोशी तारी कर देगा। तो कहने का मकसद है कि इसकी वजह से नशा तारी होता है, इसकी वजह से बेहोशी तारी हो रही है। तो ये C2H5 को कोई काम नहीं, जो फंक्शनल ग्रुप है ना ये मेन प्रॉपर्टीज़ दे रहा है, ठीक है। तो फंक्शनल ग्रुप मैंने क्या बताया आपको, फंक्शनल ग्रुप क्या है, एटम्स हैं, या तो कोई एटम है जैसे एटम हो गया Cl, और ग्रुप ऑफ एटम हो गया, एटम या ग्रुप ऑफ एटम विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर ऑल द प्रॉपर्टीज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इज कॉल्ड फंक्शनल ग्रुप। तो रेडिकल जो होता है ना, जो रेडिकल होता है लॉन्ग चेंज होती है, अब इसमें इससे मैंने बताया कि कोई इतने प्रॉपर्टीज़ में फ़र्क नहीं पड़ता, इसकी वजह से पड़ता है। अब बहुत सारी डिफरेंट डिफरेंट प्रॉपर्टीज़ आती हैं, मल्टीपल चैप्टर्स आगे आएंगे ना इन फंक्शनल ग्रुप के ऊपर, पूरे पूरे फंक्शनल ग्रुप के ऊपर चैप्टर्स हमारे पास हैं, अल्कोहल फिनॉल इन सब चीज़ों के ऊपर, ईथर्स के ऊपर, तो वहाँ हम डिटेल में डिस्कस करेंगे कि किसकी प्रॉपर्टी क्या आती है। यहाँ बस हमें डेफिनेशन देखनी थी और कुछ एग्जाम्पल्स देखनी थी फंक्शनल ग्रुप की, ठीक है ना भाई। बाकी नेमिंग वगैरह कैसे की जाती है, क्या नाम इसका बनता है, वो सब अगले चैप्टर 4 में हमारा आ जाएगा, नोमेनक्लेचर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, ठीक है। तो वो चीज़ होगी, समझ में आ गई बात, फंक्शनल ग्रुप, ठीक है। अब इसके बाद नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं आगे, दैट इज बक्की बॉल।
क्या डकी बॉल क्लास पूरा लेक्चर ख़राब हो जाएगा. ओके दैट्स बकी बॉल. अच्छा ये न्यू टॉपिक है. फेडरल बोर्ड में बहुत होता था पहले और जो है वो अब हम इसको जो है वो इस्तेमाल कर रहे हैं. लाइक इसमें सिंध बोर्ड में न्यू बुक के अंदर इसको डाला गया बकी बॉल के टॉपिक को. तो ये असल में कार्बन के एलोट्रोप है. दिस इज़ आर्टिफिशियल एलोट्रोप ऑफ कार्बन. अब देखो एलोट्रोप किसे कहते हैं. एलोट्रोप्स इज द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलिमेंट इन डिफरेंट फॉर्म्स. सिंपल एक एलिमेंट्स का डिफरेंट फॉर्म में एग्जिस्ट करना ये एलोट्रोपी कहलाता है और डिफरेंट फॉर्म्स एलोट्रोप्स कहलाते हैं. ठीक है तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स हमारे पास होते हैं. यहाँ पर मैं थोड़ा डिटेल में बता दूँ तो कार्बन के बहुत सारे एलोट्रोप्स होते हैं. कार्बन के एलोट्रोप्स को हम दो पार्ट में एक्सप्लेन कर सकते हैं ना. कुछ हमारे पास कहलाते हैं दे आर कॉल्ड एज क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स. कुछ होते हैं क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स और कुछ हमारे पास क्या होते हैं एमॉर्फस एलोट्रोप्स. यस बिल्कुल सही. अब क्रिस्टलाइन एलोट्रोप्स क्या होते हैं जिनमें एक फिक्स पैटर्न होता है कार्बन के एटम्स की अरेंजमेंट फिक्स होती है एक खास एक शेप बन रहा होता है उसके अंदर. ठीक है तो वो क्रिस्टलाइन एलोट्रोप है. और तीन क्रिस्टलाइन एलोट्रोप होते हैं हमारे पास कार्बन के. एक हमारे पास क्या कहलाता है जो आपने बेसिक क्लासेस में पढ़ लिया छोटी क्लासेस में डायमंड. एक हमारे पास क्या कहलाता है दिस इज ग्रेफाइट. और थर्ड हमारे पास कहलाता है दिस इज कॉल्ड बकी बॉल. ठीक है डायमंड के बारे में तो ये कि डायमंड जो है वो सबसे हार्डेस्ट एलोट्रोप है. हार्डेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन सबसे सख्त जो फॉर्म है तमाम में वो हमारा डायमंड है. और ग्रेफाइट के बारे में कहा जाता है दिस इज़ द मोस्ट स्टेबल फॉर्म. सबसे स्टेबल फॉर्म जो है वो हमारे पास जो सबसे लीस्ट रिएक्टिव होता है वो ग्रेफाइट है. और बकी बॉल के बारे में कहा जाता है दिस इज़ द आर्टिफिशियल फॉर्म. ये आर्टिफिशियल फॉर्म या आर्टिफिशियल एलोट्रोप है कार्बन का जिसको बनाया जाता है. डायमंड और ग्रेफाइट नेचुरली एग्जिस्ट करते हैं लेकिन बकी बॉल नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता कहीं पर भी. इसको बनाया जाता है लैब के अंदर. ठीक है इसी के बारे में भी सारी चीज़ें बताऊंगा. अब एमॉर्फस एलोट्रोप भी हमारे पास होते हैं. एमॉर्फस क्या होता है जिनमें फिक्स अरेंजमेंट नहीं होती है. ये भी काफ़ी सारे होते हैं जैसे कोल हमारे पास है ये एक एमॉर्फस एलोट्रोप है. एमॉर्फस फॉर्म ऑफ कार्बन है. इसी तरह से चारकोल होता है. बिल्कुल सही कहा. चारकोल भी दो तरह से होता है. एक हमारे पास कहलाता है वुड चारकोल जो लकड़ी से हासिल होता है और कौन सा होता है एनिमल चारकोल. बिल्कुल सही जो बोन्स वगैरह को जलाकर हासिल होता है ना हड्डियों को जलाकर हासिल होता है तो ये चारकोल कहलाता है. और लकड़ी जला के जो मिलता है वो वुड चारकोल है. ठीक है इसी तरह से हमारे पास एक होता है लैम्प ब्लैक काजल जिसको हम लोग कहते हैं लैम्प ब्लैक स्याही. कार्बन ब्लैक भी कहा जाता है इसको. लैम्प ब्लैक के अलावा इसके बाद एक और जिसमें मैं बताता हूँ उसको हम लोग क्या कहते हैं कोक. कोक का भी बताया था पिछली क्लास में. और कोक के बारे में क्या याद रखना है प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. ये बताया था ना प्योरेस्ट फॉर्म ऑफ कार्बन. तो एमसीक्यूज में हार्डेस्ट फॉर्म बोले तो डायमंड है. मोस्ट स्टेबल फॉर्म बोले तो ग्रेफाइट है. आर्टिफिशियल फॉर्म बोले तो बकी बॉल. और प्योरेस्ट फॉर्म बोले तो कोक है. ये सब कार्बन है. दे ऑल आर एक्चुअली कार्बन डिफरेंट फॉर्म्स हैं. इसी को कहा जाता है एलोट्रोप्स. पढ़ा होगा आपने इससे पहले कभी इसको एलोट्रोप्स ऑफ कार्बन. शॉर्ट में बता रहा हूँ है तो बहुत लंबी डिटेल है सब चीज़ों. तो अब हम सिर्फ बकी बॉल के टॉपिक हमारे पास बेटर न्यू बुक के अंदर मौजूद है कि बकी बॉल किसे कहते हैं. तो बकी बॉल क्या है सबसे पहली बात आर्टिफिशियल एलोट्रोप ऑफ कार्बन. या हम इसको ये भी कह सकते हैं लिख सकते हैं आर्टिफिशियल फॉर्म ऑफ कार्बन. ठीक है कब डिस्कवरी हुई इसकी बेटा इसको बनाया गया ना. डायमंड ग्रेफाइट तो इंसान डायमंड वगैरह तो हजारों लाखों सालों से इंसान को पता है ज़मीन से निकलता है डायमंड हीरा. लेकिन ग्रेफाइट के बकी बॉल के बारे में 1985 में 1985 में बहुत लेटेस्ट जदीद दौर की बात की जा रही है यहाँ पर 1985 में क्या हुआ कि दो साइंटिस्ट थे. एक का नाम था रिचर्ड स्मॉली और एक का नाम था हैरी क्रोटो. दो साइंटिस्ट थे रिचर्ड स्मॉली और हैरी क्रोटो. उन्होंने क्या किया था दे डिस्कवर्ड अ न्यू एलोट्रोप ऑफ कार्बन. उन्होंने एक नया एलोट्रोप कार्बन का डिस्कवर किया था जिसका फार्मूला हमारे पास क्या था C60. तो बकी बॉल में क्या होता है बेटा कार्बन के 60 एटम्स आपस अरेंज होते हैं आपस में. और ये जो कार्बन के 60 एटम्स अरेंज होते हैं वो लाइक अ सॉकर बॉल. सॉकर बॉल जैसे होता है ना सॉकर बॉल. इसको फुटबॉल भी जिसको हम लोग कहते हैं. तो सॉकर बॉल की तरह फुटबॉल की तरह अरेंज होते हैं. अगर आपने कभी फुटबॉल को देखा होगा ना तो उसके ऊपर पैटर्न्स बने होते हैं पेंटागॉन हेक्सागॉन के पैटर्न्स उस पर बने होते हैं. इसी तरह से वो बना नहीं सकता मैं वर्ड पर थोड़ा डिफिकल्ट होता है. बस जहन में जो आपने फुटबॉल को रखना है और फुटबॉल के अंदर जो पैटर्न्स होते हैं ना उस पर बने हुए ऊपर उसको जहन में रखना है वो असल में बॉन्ड्स होते हैं उसी तरह से. दैट्स वाइज को बकी बॉल कहा जाता है. चूँकि वो मॉलिक्यूल जो होता है उसका शेप पूरा उतना बड़ा नहीं होता फुटबॉल जैसा बहुत छोटा होता है. लेकिन कार्बन एटम्स उसी तरह से जिस तरह से फुटबॉल के ऊपर पैटर्न बना होता है उसी तरह से अरेंज होते हैं. डायग्राम नहीं बनानी है पेपर में बुक में बनी होगी आप घर पे जाकर चेक कर लेना. अच्छा अब ये तो सर हो गया कि अच्छा इसमें बकी बॉल क्यों कहते हैं. इसको बॉल तो समझ में आ गया सर सॉकर बॉल की तरह है ये.
बकी क्यों कह रहे हैं उसको है? अच्छा साइंटिस्ट का नाम भी नहीं है ये, तो डिस्कवर करने वाले का नाम है रिचर्ड स्मॉली और हैरी क्रूटो। तो आगे आप देखो क्या कह रहा हूँ कि द स्ट्रक्चर वॉज सिमिलर टू द डोम। यहाँ पर लिखा हुआ दिस इज एक्चुअली डोम। डोम हम कहते हैं गुंबद को, डोम। सिमिलर टू द डोम डेवलप्ड बाय अमेरिकन आर्किटेक्ट रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड बकी बॉल। तो बकी बॉल के नाम में जो है ना बकमिंस्टर एक साइंटिस्ट था उसका नाम आता है, जबकि उसका कोई काम नहीं था इसके अंदर। तो एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर। रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर जो था वो कौन था? ही वॉज एन अमेरिकन आर्किटेक्ट। आर्किटेक्ट किसे कहते हैं? जो बिल्डिंग्स वगैरह को डिज़ाइन करते हैं, आर्किटेक्चर पढ़ते हैं। एनएडी यूनिवर्सिटी में आपको पता होगा एक फील्ड है पूरी बी आर्क, उसको हम कहते हैं ना, इंजीनियर नहीं कहते, उसकी फील्ड का नाम होता है बी आर्क लिखा होता है उसमें। ये इंजीनियर नहीं होता, ये 5 ईयर्स की डिग्री होती है। इंजीनियरिंग तो 4 साल की होती है ना, ये 5 साल पढ़ा जाता है इसको। बी आर्क कहते हैं, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, इसको पढ़ के आर्किटेक्ट बनते हैं। आर्किटेक्ट का बिल्डिंग बनाना नहीं है, नक्शा बनाना है। बिल्डिंग बनाने का काम सिविल इंजीनियर का, लेकिन जो सिविल इंजीनियर उस वक्त बिल्डिंग बना के जब उसको आर्किटेक्ट नक्शा या मैप तैयार करके देगा। तो एक अच्छी डिग्री है, अगरचे बहुत डाउन पे क्लोज होती है, लेकिन एक अच्छी स्किल है कहा जाता है आर्किटेक्चर, ठीक है। तो बी आर कहता है बहुत लो परसेंटेज पे क्लोज हो जाती है एनईडी में, लोग अक्सर इसकी तरफ काम आते हैं, बट डिग्री अच्छी। तो एक अमेरिकन आर्किटेक्ट थे जिनका नाम था रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर। उन्होंने अमेरिका के अंदर एक डोम बनाया था, एक गुंबद जैसा बनाया था उन्होंने। उसका शेप बिल्कुल वैसे ही था जैसे इसके मॉलिक्यूल का शेप था, मतलब जिस तरह से फुटबॉल जैसा, अगर आपने कभी देखा होगा ना, डोम जैसा बना होता है। देखा IGI गेम खेला आपने, प्रोजेक्ट IGI, उसके अंदर एक गेम होता है, उसमें कंप्यूटर में जाकर ना वो फिटिंग करनी होती है डोम जैसे, उसके अंदर जाकर राउंड 2 या राउंड 3 कुछ शुरू के राउंड्स में होता है, तो उसमें वो डोम होता है, उसमें कहा था डोम के अंदर एंटर करके कंप्यूटर में कुछ भी फिट कर दो जाकर। तो वो जो है ना डोम आप देखोगे ना, अगर आप उसको जहर मिलाओ ना, उसमें एक हेक्सागोन टाइप का पैटर्न बना होता है ऊपर, गोल से एक फुटबॉल जैसा एक पूरा बिल्डिंग होती थी। याद आ रहा है कुछ, किसने खेला है तो उसको याद होगा। तो वो जो डोम होता है ना, उसके स्पेसिफिक शेप का, उसको तो वो बकमिंस्टर ने डिज़ाइन किया था। पूरी दुनिया में बहुत सारे ऐसे शेप्स और अमेरिका वगैरह जाएंगे तो बने में मिलेंगे। दैट्स वाई इसकी वजह से उसको बकी बॉल कहा जाता है, क्योंकि रिचर्ड बकमिंस्टर फुलर जो था ना उसके नाम पर ये है। दैट्स वाई इसको बकी बॉल भी कहते हैं, और इसी को हम लोग एक और नाम भी आपने कभी पढ़ा होगा, इसको बकमिंस्टर फुलेरिन भी कहा जाता है ना, बकमिंस्टर फुलेरिन, चूँकि बकमिंस्टर फुलर साइंटिस्ट वो था, आर्किटेक्ट था उसके नाम पर। तो याद रखना है कि उसको डिस्कवरी का काम बकमिंस्टर ने नहीं किया था, बकमिंस्टर फुलर ने इसको डिस्कवर नहीं किया था, इसको डिस्कवर किया था रिचर्ड स्मॉली और हैरी क्रूटो ने। लेकिन जो उसका शेप जो बन जाता है ना उसके मॉलिक्यूल का, वो बिल्कुल वैसे ही था जैसे एक डोम था अमेरिकन आर्किटेक्ट ने जो डिज़ाइन किया था, जो दुनिया में बहुत जगहों पर बना हुआ है। तो एक डिज़ाइन, एक अलग डिज़ाइन, स्पेशल डिज़ाइन कहलाता है वो, इसी वजह से उसको बकी बॉल कहा जाता है। बात समझ में आ गई? तो अक्सर मिसकॉन्सेप्शन है लोग बच्चों को ना कि बकी नाम के साइंटिस्ट ने उसको डिस्कवर किया, तो ऐसा कुछ नहीं। अच्छा इसमें कितने, अच्छा शेप किस तरह से होता है MCQs में पूछा जाएगा, तो इट कंटेन्स 12 5-membered ring, 12 5-membered ring होते हैं, मतलब 5-membered ring से मुराद है पेंटागॉन शेप का। अब फुटबॉल पे जाकर भी चेक करोगे तो आपको इस तरह से ये 5-membered ring है ना, 5 कार्बन इसमें, तो ऐसे 12 होते हैं, ऐसे 12 होते हैं। और क्या कह रहे हैं, 26-membered ring, 6-membered मतलब साइक्लोहेक्सेन के टाइप का, इस टाइप के 6 रिंग्स होते हैं। तो ऐसे 12 और ऐसे 6 रिंग क्या होते हैं, आपस में कनेक्टेड होते हैं, जुड़े होते हैं, जैसे फुटबॉल में भी ना सारे रिंग्स जुड़े होते हैं इस तरह के। 5-membered ring भी होती है, 5-membered ring भी होती है और 6-membered ring भी होती है। सॉरी 6-membered ring हमारे पास कितनी है, 20 है, 20 है। तो इसमें ये जिसका जो शेप होता है बकी बॉल का, इसके जो मॉलिक्यूल का शेप होता है, उसमें क्या होता है कि 12 5-membered ring होता है और 20 6-membered ring होते हैं ओवरऑल। और बकी बॉल्स होते हैं क्या, प्रॉपर्टीज़ के लिहाज से गुड कंडक्टर होते हैं, एंड दे आर यूज इन नैनो टेक्नोलॉजी, और इसको नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर इस्तेमाल किया जाता है। नैनो टेक्नोलॉजी किसे कहते हैं, ये कंप्यूटर साइंसेस के अंदर इसका बड़ा इस्तेमाल है। देखो बेटा, पहली बात तो गुड कंडक्टर होते हैं, करंट पास हो जाते हैं इनसे। बाकी नैनो टेक्नोलॉजी के क्या मतलब, नैनो का मतलब होता है स्मॉल, जैसे ना आपको पता है कि पहले सेंटी होता है, उसके बाद 20 से छोटा मिली होता है, मिली से छोटा माइक्रो होता है, माइक्रो से भी छोटा हमारे पास नैनो होता है। ये तो माइक्रोमीटर बहुत छोटा होता है, नैनोमीटर उससे भी छोटा होता है। तो नैनो टेक्नोलॉजी का क्या मतलब होता है, जितने भी गैजेट्स हैं, जितने भी इक्विपमेंट्स आप यूज़ करते हैं डिजिटल, मतलब कंप्यूटर या फिर लैपटॉप्स या फिर मोबाइल फोन्स, उनको छोटा से छोटा कर देना, और ना सिर्फ साइज उनका छोटा करना बल्कि कैपेबिलिटीज़ के लिहाज से उसको बहुत ज़्यादा बढ़ा देना। आज से अगर आप 50 साल पहले जाएंगे ना, तो कंप्यूटर मोबाइल फ़ोन लैप ये सारी चीज़ें बहुत बड़े होते थे, है ना भाई, ऐसे है ना भाई। जैसे पहला कंप्यूटर कहा जाता था Mark 1, अगर आपने कभी हिस्ट्री पढ़ी है कंप्यूटर साइंसेस की, तो Mark 1 वॉज द फर्स्ट कंप्यूटर, हॉवर्ड अचेकन ने उसको डिज़ाइन किया था, IBM कंपनी से चालू रखते थे। तो वो जो Mark 1 कंप्यूटर था, कहा जाता है कि एक फुटबॉल ग्राउंड कितना बड़ा वो कंप्यूटर था,
जिन्होंने को जो पहला कंप्यूटर बनाया था, इट इज़ लाइक अ फुटबॉल ग्राउंड, और उसके अंदर वायरिंग जो की गई थी ना, जो वायरिंग थी, तार थी, 20 किलोमीटर्स की वायरिंग थी, 20 किलोमीटर की वायरिंग थी एक कंप्यूटर के अंदर। और उसके बारे में कहा जाता था कि भाई जब उसको चलाना पड़ता था ना, उसमें इतनी हीट खारिज होती थी उस कंप्यूटर से कि स्पेशल ड्रेस पहन के उसको जाना पड़ता था, इतनी हीट होती थी ना कि इंसान उसमें ना मतलब डिहाइड्रेशन का शिकार हो जाए, तो उसके लिए स्पेशल ड्रेस पहन के उस कंप्यूटर को चलाना पड़ता था। और इतनी एनर्जी खींचता था, जिस शहर में अमेरिका के उसको बनाया गया था, जब वो कंप्यूटर चलता था तो पूरे अमेरिका की बिजली डाउन हो जाती थी उसको चलाने पे, उस इलाके की इतनी एनर्जी खींचता था वो। ये दुनिया का पहला कंप्यूटर था। और वो क्या करता था पता है, सिर्फ सिंपल अर्थमेटिक ऑपरेशन सर अंजाम देता था, प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई के अलावा कुछ नहीं करता था वो। ये वो कंप्यूटर था, मतलब दुनिया का पहला कंप्यूटर, सोचो। और उसके अंदर मेमोरी कितनी थी, सिर्फ और सिर्फ उसके अंदर मेमोरी जो है ना 32 किलोबाइट्स की थी, 32 KB, KB, MB की बात भी नहीं कर रहे, GB भी नहीं, KB की मेमोरी थी। और आज आप देखो आपकी जेब में 512 GB और मतलब 256 GB के मोबाइल फ़ोन ऐसे पड़े होते हैं, ऐसे ही है ना। ये दिस इज़ कॉल्ड नैनो टेक्नोलॉजी, और इसके कोई छोटा काम नहीं, कंप्यूटर साइंस के फील्ड ही में यही पढ़ते हैं हम लोग पूरा, इतनी आसान बात नहीं है, ठीक है। तो नैनो टेक्नोलॉजी इसको कहा जाता है, लेकिन इसकी फील्ड जो आएगी ना NIT के अंदर, वो आएगी CIS, कंप्यूटर इंफॉर्मेशन सिस्टम, जिसमें हम इसके डिज़ाइनिंग सीखते हैं। पाकिस्तान में इसकी इतनी वर्थ नहीं है, पाकिस्तान में सॉफ्टवेयर वगैरह पर ज़्यादा काम किया जाता है बनस्बत हार्डवेयर के, क्योंकि हार्डवेयर में पाकिस्तान थोड़ा पीछे है, नहीं बनाता चीज़ों को। तो नैनो टेक्नोलॉजी का काम हार्डवेयर के अंदर आता है कि किस तरह से कंप्यूटर के हार्डवेयर को स्मॉल से स्मॉल कर दिया जाए, लेकिन फंक्शनलिटी में वो 10 गुना बढ़ जाए। तो नैनो टेक्नोलॉजी के अंदर जो मोबाइल फ़ोन आप यूज़ करते हैं, जो भी व्हाटएवर स्मार्टफोन आप यूज़ करते हैं, आईफोन या कोई भी, उसके अंदर जो सर्किट्स होते हैं ना बेटा, उसमें जो वायरिंग होती है, उसकी वायरिंग आपको दिखेगी नहीं, कहा है तो एम्बेडेड है। आप उसको खोल कर देखोगे, अभी आईफोन तो वैसे खोलेगा कोई नहीं, खोलेगा तो बंद नहीं कर पाएगा, मतलब उसकी वायरिंग ऐसी होती है कि तार नहीं मिलेंगे आपके उसके अंदर, टोटल वो बकी बॉल्स है ना, उसकी लेयरिंग होती है बक मिनिस्टर फोलेरिंग की, जिससे क्या होता है वो माइक्रोमीटर मतलब नैनोमीटर्स तक की ना वायरिंग उसके अंदर होती है, जो दिखाई भी नहीं देगी आंखों से, और वो पूरा वर्क वही सर अंजाम दे रही है उसके अंदर, इतनी छोटी वायरिंग उसकी है। ऐसा नहीं कि 729 का तार डाला उसके अंदर, 329 का तार डाल दिया उठा के कॉपर का, मिलियन सुप्रीम का, ऐसा नहीं है। उसके अंदर ऐसी वायरिंग है कि वो आप देख भी नहीं पाओगे उसको, उसके लिए अलग मशीन्स होती हैं आईफोन को बनाने के लिए, करोड़ों रुपए की तो मशीन आएगी सिर्फ, जिसमें वो उसकी वायरिंग चेंज होती है, बनती है। हमारे यहाँ तो ये ना कि ख़राब हो गया पैनल फेंक दो, क्योंकि बनाने की मशीन पाकिस्तान में नहीं है ना, मोबाइल गिर गया हल्की से भी उसके सर्किट में थोड़ा सा माइनर से ही मसला आ गया, मान लो कि 20 रुपये का उसमें एक रजिस्टर लगने वाला है, थोड़ा सा मसला, लेकिन उसको बना नहीं सकते हम, उसको फौरन से बोलते हैं भाई 20,000 का पैनल आएगा, पैनल चेंज करो, चूँकि बनाने की सकत किसी में है नहीं, क्योंकि पाकिस्तान बहुत पीछे हार्डवेयर के अंदर, दुनिया बहुत आगे, सॉफ्टवेयर में हम आगे इसमें शक नहीं है, लेकिन हार्डवेयर बहुत पीछे। सॉफ्टवेयर में भी फ्रीलांसर्स ही आगे हैं, गवर्नमेंटल वे पर नहीं, लोग अपने तौर पे आगे बढ़ते हैं जो बढ़ते हैं, ठीक है, ओके। तो बकी बॉल्स गुड कंडक्टर होते हैं और उनको नैनो टेक्नोलॉजी में इस्तेमाल करते हैं, मीन्स के क्या करने के लिए बेटा, कि स्मॉल करने के लिए जितने भी गैजेट्स वगैरह हैं, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज हैं, क्लियर है। तो ये इस्तेमाल है बच्चे के साथ ना, इस्तेमाल किया सर बकी बॉल इतना पढ़ क्यों रहे हैं उसको, तो बहुत बड़ा इस्तेमाल है इसका, दुनिया के सारे मोबाइल फोन, सारे सर्किट्स कंप्यूटर के इसी से बन रहे हैं, बकी बॉल्स है, ठीक है, क्लियर है बात यहाँ तक। लास्ट इसके बाद बेटा कि MCQs में आएगा, लास्ट टॉपिक बता रहा हूँ, ये MCQs पॉइंट में मैं आपसे पूछूंगा, और वो क्या है, दैट इज़ यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के इस्तेमाल। तो तकरीबन 14 ऑर्गेनिक कंपाउंड मैंने यहाँ लिखे हैं, इनके अलग अलग इस्तेमाल यहाँ पर मैं डिस्कस करूँगा। तो यूजेज ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड में सबसे पहला हमारे पास क्या बेटा, एक एक करके सबको बताता हूँ। सबसे पहला गैसोलीन है, गैसोलीन पता है बेटा, पेट्रोल, तो उसका काम क्या है, फ्यूल फॉर ऑटोमोबाइल्स, ऑटोमोबाइल फ्यूल के तौर पर इसको इस्तेमाल कर रहे हैं, वैसे कर रहे हैं लेकिन कुछ सालों तक ही करेंगे। फॉसिल फ्यूल का एक नुकसान क्या होता है, मैंने आपको पता, दो नुकसान आते हैं, सबसे पहला कि ये हमारा पॉल्यूशन कॉज करता है, और दूसरा नॉन रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स है, आज नहीं तो कल ख़त्म हो जाएगा, तो लोग आहिस्ता आहिस्ता रिन्यूएबल एनर्जी सोर्स की तरफ आ रहे हैं ना, बैटरी वगैरह पर, लैम्बोर्गिनी, फिरारी, BMW, फोर्ड, इन सब ने कह दिया 2030 तक हम ऑटोमोबाइल फ्यूल पर बनानी ख़त्म कर देंगे, बस 7 साल और है, 7 ईयर्स के बाद ये बड़ी कंपनीज कोई भी डीजल और पेट्रोल वाले गाड़ियाँ नहीं चलाएंगी, कोई भी नहीं, सब के सब जो है वो सोलर पर या फिर बैटरी पर आ जाएंगे, और ये बहुत बेहतरीन कदम है देखा जाए तो एनवायरमेंट के लिहाज से। हाँ, शुरू हो गए लेकिन अभी 50-50 है, आधी गाड़ियाँ बन रही है पेट्रोल डीजल पर और आधी चल रही है अभी अभी 100% आधी के बनाने ही ख़त्म कर देंगे, सपोर्ट ही एंड हो जाएगा उसका, ठीक है, और ये बहुत अच्छी बात होगी, पाकिस्तान में आएगा उसके 50 साल के बाद, ठीक है, टाइम लगेगा पाकिस्तान में आने में, बट इट विल अराइव, ओके। इसके बाद अभी भी आते हैं टेस्ला मोटर, बहुत बहुत महंगे हैं बैटरी वाले, टेस्ला की गाड़ी अगर आप सर्च करोगे डॉलर्स के अंदर तो बहुत हाई है, तो चला नहीं सकते पाकिस्तानी फिलहाल, लेकिन एक वक्त आएगा चीज़ें डाउन हो जाएंगी। मोबाइल फ़ोन भी जब दुनिया में आया था तो बहुत महंगा था,
आईफोन 1 उस वक्त इतना महंगा था, लोग बोलते थे आईफोन 1 कैसे लेंगे, लेकिन आप आईफोन 1 को पूछेगा ही कोई नहीं। तो पाकिस्तान में अब हर कोई 4, 5, 6, 7 तो कोई भी चला लेता है। तो एक वक्त आता है जब बाद में जब उन्होंने इस्तेमाल करके फेंक देते हैं तो हम सस्ते रेट में इस्तेमाल करना शुरू कर देते हैं। सिंपल सी बात है। तो आएगा तो आज नहीं तो कल हमारे पास ही आना है, रिफर्बिश्ड होकर दुबई से पाकिस्तान ही पहुँचेगा वो, ये आप सब जानते हैं। अभी तो न्यू गाड़ियाँ ना, तो अभी को बेच नहीं रहे, जब बेचना शुरू करेंगे तो पाकिस्तान में आना है, ठीक है। ओके, उसके बाद आ जाओ नेचुरल गैस। नेचुरल गैस, कुदरती गैस, ये भी पढ़ लिया बेटा, सिंपल डोमेस्टिक फ्यूल, घर में खाना पकाने के लिए इस्तेमाल करेंगे। तीसरा इथीन। इथीन का तो मैंने आपको बता दिया कि एक इस्तेमाल तो मैंने बताया कि पॉलीथीन, ठीक है। तो बल्कि और एक और दूसरा इस्तेमाल भी जो बुक में लिखा हुआ है, रैपनिंग ऑफ फ्रूट। रैपिंग मतलब फलों को पकाने के लिए, जो फलों को पकाने के लिए, जो कच्चे फल होते हैं उनको पकाने के लिए इथीन को इस्तेमाल करते हैं। कार्पेट जिसको हम कहते हैं, वो असल में कार्बाइड होता है, कार्बाइड होता है, तो उसको तो उस तरह से इस्तेमाल करते हैं इथीन को। नेक्स्ट है इथाइन। इथाइन हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है C2H2। इथाइन इसको इस्तेमाल करते हैं गैस वेल्डिंग के लिए। आपने गैस वेल्डिंग करते हुए देखा होगा, उसमें भी जो कार्बाइड यूज़ करते हैं, गैस वेल्डिंग करते हुए देखा है। तो गैस वेल्डिंग जो होती है उसमें जो गैस होती है ना, उसके अंदर जैसे वेल्डिंग कर रहे होते हैं, वो इथाइन गैस होती है। C2H2 इसका फॉर्मूला होता है। नेक्स्ट इसके बाद हमारे पास है फॉर्मलिन। अब फॉर्मलिन किसे कहते हैं? फॉर्मलिन जो है ना, तो फॉर्मलिन इज एक्चुअली 40% सॉल्यूशन ऑफ फॉर्मेल्डिहाइड। फॉर्मेल्डिहाइड का 40% सॉल्यूशन होता है। फॉर्मेल्डिहाइड मैंने भी आपको कंपाउंड बताया था, ये होता है हमारे पास फॉर्मेल्डिहाइड। इसका 40% सॉल्यूशन, 40% से मुराद के 40% फॉर्मेल्डिहाइड और 60% वाटर, एक तरह का एक्वस सॉल्यूशन होता है फॉर्मेल्डिहाइड का। उसको लैब में हम लोग कहते हैं फॉर्मेलिन। बायोलॉजी के लैब में बहुत काम इसका है। इट इज़ यूज एज अ प्रिजर्वेटिव फॉर बायोलॉजिकल स्पेसिमेन। आपने देखा होगा बायोलॉजी के लैब्स के अंदर स्पॉटिंग करने के लिए, जो मेडिकल के हैं या फिर 9 में आपने देखा होगा स्पॉटिंग करने के लिए एक लिक्विड, या स्कूल के लैब में आपके जार के अंदर एक लिक्विड के अंदर मेंढक वगैरह ये सब के ना सिस्टम वगैरह रखे होते हैं, और आप नर्सरी से देख रहे होंगे मैट्रिक तक वही रखा होगा वैसे, मतलब आप 4 साल 5 साल 10 साल तक आपने स्कूल में देखा होगा वैसे ही रखा हुआ है। अब आप सोचते हैं ख़राब क्यों नहीं होता ये, जबकि वो रियल उसके अंदर सिस्टम है, रियल फ्रॉग है उसके अंदर, कोई मॉडल नहीं है वो, तो ख़राब क्यों नहीं, पानी में रख दो तो ख़राब हो जाएगा। तो वो असल में फॉर्मलिन के अंदर होता है, वो पानी में नहीं होता है। मतलब एक फॉर्मलिन का एक टब जो है वो जग भी रखा होगा, या फिर एक समझ लो कि कंटेनर भी रखा होगा लैब के अंदर। तो क्या होता है, टीचर्स होते हैं ना बायोलॉजी के, जो लैब संभालते हैं, लैब अटेंडेंट वगैरह, वो उसके अंदर फॉर्मलिन ऐड करते हैं। फॉर्मलिन क्या करता है, जो टिश्यूज़ वगैरह उनको कोरोड होने से रोकता है। तो 5-5, 10-10 साल तक जो है ना आप स्पेसिमेन को बचा कर सही सलामत रख सकते हैं, वरना पानी में डालोगे तो 10 दिन में ख़राब हो जाएगा वो ओवरऑल। तो ये फॉर्मलिन का काम होता है, फॉर्मेल्डिहाइड का सॉल्यूशन। तो ये मैं इस्तेमाल बता रहा हूँ अलग अलग ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। नेक्स्ट इसके बाद है इथाइलिन ग्लाइकोल। तो इथाइलिन ग्लाइकोल को आगे जाकर हम लोग पढ़ेंगे। इथाइलिन ग्लाइकोल, ये हमारे पास 2 कार्बन होते हैं, इनके साथ OH मौजूद होते हैं, फंक्शनल ग्रुप इसमें OH होता है, ये स्ट्रक्चर होता है। दिस स्पेसिफिक कंपाउंड इज कॉल्ड इथाइलिन ग्लाइकोल। ये इथाइलिन ग्लाइकोल का स्ट्रक्चर है। काम क्या है, अब आपको सिर्फ तो नाम याद रखना था, मैंने स्ट्रक्चर बता दिया कि ऐसा होता है। दिस इज इथाइलिन ग्लाइकोल, इसका फॉर्मूला। इसको यूज़ करते हैं एज एन एंटी फ्रीज। एंटी फ्रीज का क्या मतलब होता है, कि ये जो है ना वो जमने से रोकता है पानी, किसी भी लिक्विड को। एंटी फ्रीजिंग एजेंट है ये, किसी चीज़ को जमने नहीं देता। पेट्रोल के अंदर डाला जाता है ये, हर कंट्री में इस्तेमाल नहीं होता, अक्सर ठंडे कंट्रीज़ के अंदर, जो ठंडे ममालिक है ना, लाइक जैसे कि हम बात करते हैं एंटार्क्टिका में तो लोग भी नहीं रहते, नॉर्वे, स्वीडन, डेनमार्क, फिनलैंड जो पोलर रीजन्स हैं, या ग्रीनलैंड, कैनेडा के नॉर्थ के रीजन्स जो बहुत ठंडे हैं, इन कंट्रीज़ में क्या होता है टेम्परेचर माइनस से भी नीचे होता है। रशिया का साइबेरियन पार्ट, ये सब बहुत ठंडे होते हैं, ये सब बहुत ठंडे होते हैं। तो क्या होता है कि इनका टेम्परेचर -40, -50 तक चला जाता है सर्दियों में। अब गाड़ियाँ तो चलती हैं वहाँ पर, आपने देखा होगा यूट्यूब वगैरह पे। तो वो अब अगर पेट्रोल अगर उसके अंदर डालेंगे, पेट्रोल तो जम जाएगा इंजन के अंदर, इतनी ठंडक होती है। तो वो क्या करते हैं, उसमें एंटी फ्रीज इथाइलिन ग्लाइकोल डालते हैं, जिससे पेट्रोल लिक्विड फॉर्म में रहता है और वो जमता नहीं। इसी तरह से वहाँ जो इंक्स वगैरह इस्तेमाल करता है ना, वो इतनी ठंडक होती है कि पेन में मौजूद इंक भी जम जाता है। तो इंक के अंदर भी इथाइलिन ग्लाइकोल को ऐड किया जाता है, ताकि वो इंक जो है ना वो जमे ना, मतलब ठंडक से, इतनी सर्दी होती है। तो लिक्विड्स को फ्रीज होने से रोकता है, एंटी फ्रीज कहते हैं उसको, ठीक है। दवाइयों में डाला जाता है, बहुत सारे काम इसके। इसी तरह से फिनॉल, फिनॉल हम लोग कहते हैं, फिनॉल जो है दैट इज़ एक्चुअली डिटॉल। इसको फिनॉल कहते हैं हम लोग, इसको डिटॉल भी कहते हैं, घर में ये डिटॉल के नाम से मिलता है। और डिटॉल या फिनॉल का क्या काम होता है, एंटीसेप्टिक, जख्म वगैरह पे लगाते हैं ना, ताकि इन्फेक्शन ना हो पाए। तो ये फिनॉल का इस्तेमाल है, मतलब केमिस्ट्री में हम लोग फिनॉल कहते हैं, ब्रांड नेम इसका डिटॉल, डिटॉल के नाम से मिलता है दुकानों में, ठीक है। इसी तरह से डाई इथाइल ईथर, ये ईथर का एक कंपाउंड है, डाई इथाइल ईथर।
ऑक्सीजन लें और उसके दो तरफ C2H5 लगा लें, इथाइल ही कहलाता है ना, तो ये हमारे पास कहलाता है, दिस इज कॉल्ड डाई इथाइल ईथर का स्ट्रक्चर है ये। इसको इस्तेमाल किस लिए किया जाता है बेटा? एनएससीसीए के तौर पर। एनएससीसीए किसे कहते हैं? बेहोश करने वाली कोई भी चीज़ एनएससीसीए कहलाते हैं, जो बेहोशी तारी कर दे। तो दिस इज़ यूज्ड एज एनेस्थीसिया। तो बेहोश करने के लिए इसको हम इस्तेमाल करते हैं पेशेंट्स वगैरह को, या ऑपरेशन करना होता है ना, कोई ऑपरेशन करना है किसी को और ऑपरेशन करते हुए बेहोश करना है। अच्छा, एनेस्थीसिया हमारे पास दो टाइप्स की हैं, एक हमारे पास कहलाता है लोकल एनेस्थीसिया और एक हमारे पास कहलाता है जनरल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? जो कि आपके किसी बॉडी के एक पार्ट को सुन कर देता है। इसमें अक्सर जैसे N2O यूज़ करते हैं, नाइट्रस ऑक्साइड N2O, ये हमारे पास एक लोकल एनेस्थीसिया। लोकल एनेस्थीसिया क्या होता है? किसी एक पार्ट को क्या करता है, नम कर देता है या फिर सुन कर देता है या फिर तो उसको पैसिव बना देता है। जैसे कि दांत वगैरह, डेंटिस्ट जो होता है ना, डेंटिस्ट इस्तेमाल करता है नाइट्रस ऑक्साइड। ये क्या करता है बेटा? सिर्फ दांत के किसी पोर्शन को, जहाँ पर मतलब मुंह के हिस्से को बस वो सुन कर देता है, बाकी पूरे हाथ पैर सब आपके काम कर होता है और होशो आवास में भी इंसान होता है। ये लोकल एनेस्थीसिया होता है। और एक हमारे पास होता है जैसे ये C2H5 O C2H5, ये जनरल एनेस्थीसिया, ये पूरी बॉडी को पैरालाइज कर देता है। तो उसमें डाई इथाइल ईथर्स यूज़ करते हैं हम लोग, सिरिंज जो लगाते हैं, ठीक है। तो इसका ये इस्तेमाल, घर में कोई इस्तेमाल नहीं है लेकिन डॉक्टर्स इसको बहुत इस्तेमाल करते हैं, सर्जन्स वगैरह, ठीक है। इसी तरह से एसिटिक एसिड, इसको तो पता है बेटा, सिरके को कहते हैं, विनेगर के तौर पे, सिरके के तौर पे इस्तेमाल होता है घरों में, सूप वगैरह में डालने के लिए, चाइनीज़ आइटम्स में डालने के लिए, सोया सॉस, चिली सॉस के साथ विनेगर भी होता है ना, तीनों एक साथ। इसी तरह से इथाइल एसीटेट एक कंपाउंड हमारे पास है, एस्टर है ये, इथाइल एसीटेट। इथाइल एसीटेट क्या होता है बेटा? इसका जो आर्टिफिशियल फ्लेवर के तौर पे इसको इस्तेमाल करते हैं, जैसे डिफरेंट कैंडीज वगैरह होती है ना, तो टॉफियाँ वगैरह, उनमें आर्टिफिशियल फ्लेवर ऐड किया जाता है। इथाइल एसीटेट का फ्लेवर होता है लाइक पाइनएप्पल जैसा, या पाइनएप्पल जो होता है ना, वॉट एवर, यस बिल्कुल सही कह रहा हूँ आप, जो लिमका यूज़ करते हैं उसमें वो कहते तो हैं कि हमें रॉ फ्रूट का बना हुआ, लेकिन ऐसा कुछ नहीं, वो सब फ्लेवर्ड होता है लिमका के अंदर। तो उसमें जो पाइनएप्पल फ्लेवर होता है ना, वो यही होता है इथाइल एसीटेट। तो ये पाइनएप्पल जैसा इसका जो है फ्लेवर आता है, जायका आता है, तो आर्टिफिशियल फ्लेवर है। आजकल आपको पता है ज़्यादातर आर्टिफिशियल फ्लेवर पे ही काम होता है, वरना देखो सर्दियों के मौसम में नेस्ले का जूस आपको मिल जाता है, वो भी मैंगो। अब सर्दी में तो आम ही नहीं है, तो मैंगो का जूस कैसे मिल जाए? वो सब आर्टिफिशियल फ्लेवर है, वो 12 महीने आपको मिल जाएगा, मेरे मौसम हो ना हो आम का। हाँ, अगर आपको फ्रेश जूस मिलना तो फ्रेश जूस सेंटर जाए, नुकसानदा होता है बिल्कुल। कभी आप डॉक्टर से बोलो, डॉक्टर हमेशा बोलेंगे फ्रेश जूस, कि आप खुद बनाओ, खुद निकालो और ख़ुद पियो फिर उसको। मतलब नेस्ले वगैरह कभी भी डॉक्टर नहीं कहते, रिकमेंड करते हैं, वो कहते हैं भाई ये सब केमिकल है, किसी भी डॉक्टर से पूछ लो, ठीक है। तो दैट्स वाई ये आर्टिफिशियल फ्लेवर होता है, जो इतना फ़ायदेमंद नहीं है, बट टेस्ट आ जाता है, कहने का मकसद है, ठीक है। इसके बाद एक कंपाउंड है एसीटोन, एसीटोन देखा है कंपाउंड, एसीटोन, यस, नेल पॉलिश रिमूवर में तो है। मैं ऐसे ही बता रहा हूँ, चप्पल के कारखाने वगैरह जो होते हैं ना, जहाँ शूज़ वगैरह की मैन्युफैक्चरिंग की जाती है, उसमें सॉल्यूशन यूज़ किया जाता है सोल को चिपकाने के लिए। तो उसमें सॉल्यूशन के इसमें ना, जो सॉल्यूशन होता है ना, उसमें एक चीज़ ऐड करते हैं, एक लिक्विड पेस्टिंग करने के लिए लिक्विड, वो एसीटोन होता है। तो वो नॉर्मली रखा भी होता है हर चप्पल के कारखाने में, कहीं भी रहमत चौक पर मिल जाएगा आपको, जो वहाँ पर एक है शॉप है जहाँ पर मिलती है। एसीटोन क्या केमिकल होता है? ये सॉल्यूशन को पतला करने के लिए इस्तेमाल होता है। घर पर इसका क्या इस्तेमाल है? थिनर के तौर पर इस्तेमाल करते हैं, कोई भी थिन लिक्विड थिनर है बेटा, थिन लिक्विड से मुराद जो लेस विस्कस हो, तो थिनर के तौर पे, नेल पॉलिश रिमूवर के तौर पे इस्तेमाल करते हैं। लेकिन वो दौर गया, पील ऑफ आ गया, अब खुरुज तो नाखून से ख़त्म। पहले होता था नेल पॉलिश रिमूवर लेके लड़कियाँ उसको क्या करती थी, उसको साफ करती थी थिनर लेकर एसीटोन, अब ये नहीं, अब यूँ करके नोच दो ख़त्म है, ऐसे ही है ना। हाँ, मुझे अब पता है, अब पता है मुझे, ओके। सो तुम लोग को पता लग जाएगा, एक वक्त आएगा वक्त आने पे, ओके। इसके बाद अभी पर्ची पड़ी होगी, लेकर जाना होगा कुछ, ठीक है। तो टाइम सबका आता है बेटा, तुम लोग तो अभी चलो मज़े करो, ओके। नायलॉन, नायलॉन उसके बाद है, नायलॉन का साम, जिसको लैलून बोलते हैं हम लोग हमारे यहाँ, ठीक है, पता कौन आ रहे हो उससे। अच्छा, नायलॉन जो है ना बेटा, दो वर्ड से निकला है, सुन लो जल्दी, 5 मिनट और लगेंगे। नायलॉन दो वर्ड से निकला है, NY और LON। NY हमारे पास हो, दिस इज कॉल्ड न्यूयॉर्क, और LON से मुराद हमारे पास है लंदन। दो शहरों की मुश्तरका पेशकश थी, दो सिटीज ने मिलकर इस पर काम किया था, न्यूयॉर्क NY और LON मतलब लंदन, दैट्स वाई दैट्स कॉल्ड नायलॉन, न्यूयॉर्क लंदन की शॉर्ट फॉर्म है, बहुत कम बच्चे जानते हैं।
तो नायलॉन, नायलॉन क्या बेटा, एक सिंथेटिक फाइबर है, एक आर्टिफिशियल फाइबर है, नेचुरली एग्जिस्ट नहीं करता, इसको बनाया जाता है। आगे रिएक्शन हम पढ़ेंगे कैसे बनता है, दो चीज़ों का मिक्सचर है, पॉलीमर है, नायलॉन। तो नायलॉन से क्या काम होता है, ये इसको मछली की डोर भी कहते हैं हम लोग, तो फिशिंग नेट्स इससे बनाए जाते हैं ना, नायलॉन के धागे देखोगे बहुत मजबूत है, प्लास्टिक वाले धागे जो होते हैं, नायलॉन, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है। इसी तरह से पॉलीएस्टर, पॉलीएस्टर जिसको पॉलिएस्टर कहते हैं, दिस इज पॉलीएस्टर। देखो कॉटन जो होता है, एक तो कॉटन हमारे पास होता है नेचुरल कॉटन जो कपास से आता है ना, और एक होता है मिक्स कॉटन। मिक्स कॉटन जो होता है ना उसमें थोड़ा सा नेचुरल कॉटन होता है, थोड़ा सा उसके अंदर क्या होता है पॉलीएस्टर। तो पॉलीएस्टर क्या है, पॉलीएस्टर इज एक्चुअली आर्टिफिशियल कॉटन, ये भी एक फाइबर है बट आर्टिफिशियल, लिखा हुआ होता है वो ना कॉलर पे 100% कॉटन, सब जुड़ बोलते हैं 100% कॉटन तो पहनना ही मुश्किल है अगर आप उसको लट्ठा है वो, तो कॉटन के साथ पॉलिएस्टर मिक्स करते हैं ना तो फैब्रिक ऐसा होता है कि पहनने लायक बनता है हमारे लिए कॉटन, वरना असली जो लट्ठा जिसको हम कहते हैं ना वो तो अजीब ही अलग ही होता है, वडेरे लोग पहनते हैं वो, ठीक है, तो वो होता है ना वो कड़क टाइप का होता है, क्लफ लगा हुआ, तो वो होता है हमारा 100% कॉटन। तो हमारे क्या होता है गुलामत वगैरह के जो लॉन्स आते हैं जो भी वॉट एवर कंपनी के, तो वो उसमें प्योर कॉटन के साथ पॉलिएस्टर मिक्स होता है। तो पॉलिएस्टर क्या है, दिस इज आर्टिफिशियल फाइबर, आर्टिफिशियल कॉटन है, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड है जिससे फाइबर्स बन रहे, लिबास बन रहे, कपड़े बन रहे। लास्ट उसके बाद मैंने बताया कुछ न्यूट्रिएंट्स हैं, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, विटामिंस, प्रोटीन्स। तो ये हमारे पास क्या होते हैं न्यूट्रिएंट्स। न्यूट्रिएंट्स किसे कहा जाता है बेटा, लाइक जो हमारी ग़िज़ाइत, हम जो खाना खाते हैं उसमें मुख्तलिफ न्यूट्रिशन होते हैं जो हमें क्या करती हैं, हमें एनर्जी प्रोवाइड करती हैं, जिससे हम काम काज करते हैं, वॉट एवर, ठीक है, ज़िंदगी जीते हैं। तो उसमें जैसे कार्बोहाइड्रेट है, चावल रोटी खा रहे हैं तो कार्बोहाइड्रेट आ रहा है, स्टार्च आ रहा है उसके अंदर से। इसी तरह से जो है वो प्रोटीन्स हैं, एग है, अंडा खा रहे हैं तो उसमें प्रोटीन आ रहा है, गोश्त वगैरह, चिकन मटन बीफ, इसके अंदर से हमारे पास आ रहे प्रोटीन, ये भी ऑर्गेनिक कंपाउंड न्यूट्रिशन है। इसी तरह से फैट्स हैं, मिल्क है या फिर जो है उसका बटर है, चीज़ है, इन सारी चीज़ों के अंदर हमारे पास फैट्स आते हैं, ये भी हमारे न्यूट्रिएंट है। और विटामिंस होते हैं बहुत सारे खानों की सब्जियों वगैरह के अंदर, तो वो हमारे पास विटामिंस है। तो ये जो प्रोटीन है, फैट्स है, विटामिंस हैं, कार्बोहाइड्रेट्स हैं, ये सब के सब ऑर्गेनिक कंपाउंड होते हैं, और इन सबको क्या कहते हैं, न्यूट्रिएंट्स कहते हैं, जो हमें न्यूट्रिशन देते हैं, जो हमें ग़िज़ाइत देते हैं, हमें एनर्जी देते हैं, जिसकी मदद से हम क्या करते हैं, अपना वर्क करते हैं। समझ में आ गया बेटा, तो ये सारे ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं, कितना सारा इस्तेमाल है आप देखो उसका, इसलिए हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को पढ़ते हैं, ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को पढ़ते हैं। क्लियर है? तो यहाँ पर चैप्टर 3 आपका एंड हो गया ऑर्गेनिक कंपाउंड्स, ठीक।